Goal, nation's leading institute. Hello student, myself Chitambar Kumar. I am going to discuss the test paper जो कि conduct हुआ था 26th of Feb 2023. इस पेपर में बेसिकली मैं फिजिक्स को डील करूंगा, ठीक है। आप सभी लोगों ने टेस्ट पेपर दिया होगा और जैसा कि आप महसूस किए होंगे कि ए लिटिल बिट कैलकुलेटिव था पेपर, ठीक है। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं और उस सारे क्वेश्चन को वन बाय वन कर करके देखते हैं और समझते हैं कि क्या इसमें करना था। तो सभी बच्चों के पास पेपर जरूर होगा, ठीक है ना। मैं केवल सॉल्यूशन डिस्कशन करने की बात करूंगा, ठीक है। पेपर आप सभी लोग अपने पास रखें और क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर मैं मेंशन करूंगा, उससे आप क्वेश्चन को प्रिपेयर कर सकते हैं, क्वेश्चन पढ़ सकते हैं, ठीक है। ऑलरेडी आपके पास है ही और आप उसे पढ़े भी होंगे। ये टेस्ट पेपर डिस्कशन जो हो रहा है वो फिजिक्स पेपर है, AITS है, वहां माइनर टेस्ट 1 है और जो कि हुआ था 26th of February, ठीक है। चलिए शुरुआत करते हैं। इसमें सबसे फर्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 1, ये एरर से बेसिकली क्वेश्चन है। कह रहा है कि वर्नियर स्केल ऑफ ए ट्रेवलिंग माइक्रोस्कोप हैज 40 डिवीजन, ठीक, विच कॉन्साइड विथ 39 मैन स्केल डिवीजन, ठीक। इफ ईच मैन स्केल डिवीजन इज 0.8 मिलीमीटर, कैलकुलेट द मिनिमम इन एक्यूरेसी इन द मेजरमेंट ऑफ द डिस्टेंस, मतलब कितना एरर हो सकता है। तो 0.8 जो एमएम है तो उसमें 40 डिवीजन है, तो आप समझने का कोशिश कीजिए कि एक डिवीजन के कॉरस्पॉन्डिंग कितना लेंथ होगा। तो अगर आप इसे फर्स्ट क्वेश्चन में अगर डेल्टा एल की बात करेंगे, डेल्टा एल एक डिवीजन में, तो ये 0.8 एमएम डिवाइड बाय 40, इतना एरर को यानी कि इससे छोटे लेंथ को वो मेजरमेंट नहीं कर सकता है। ये मिनिमम हुआ, एक तरह से लिस्ट काउंट हुआ उसका, इससे कम को रीडिंग नहीं करेगा वो, तो एरर कितनी हो जाएगी। तो परसेंटेज आप एरर उसमें कह सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, परसेंटेज एरर इक्वल टू, तो 0.8 डिवाइड बाय 40 और ये एमएम में है, आप इसे क्या करेंगे तो 100 से इसको इससे डिवाइड कर दीजिएगा और इसको लिखिएगा एमएम में, तो 10^-3 मीटर में हो जाएगा, ठीक है। तो कितना इसका वैल्यू आ जाएगा, अगर आप देखेंगे तो 4 से करेंगे तो 100 और 4 से करेंगे तो 2, तो 2 × 10^-5 मीटर, इतना का एरर आप कह सकते हो। परसेंटेज एरर नहीं कह लीजिए, इसे एरर कह लीजिए, ज्यादा बेहतर है। परसेंटेज में आपको 100 से मल्टीप्लाई करना होगा, आप अपने ऑप्शन में देखेंगे तो 100 से मल्टीप्लाई करके तो नहीं, परसेंटेज के टर्म नहीं बात किया है, तो केवल आप डेल्टा एल की ही बात कर लीजिए, यही एरर आपका अमाउंट हो गया, ठीक है। तो 2 × 10^-5 मीटर ये बचा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 वेक्टर एडिशन है, कह रहा है कि किस रिलेशन में ये मैच करने के लिए ए और बी को, मतलब ए बी सी 4 सी डी 4 आपका लेफ्ट कॉलम है और 1 2 3 4 राइट कॉलम है, तो कैसे हम लोग उसको मैच करवाएंगे। तो आप अगर फर्स्ट में देखते हैं तो आपको लिखा है ए प्लस बी इक्वल टू सी, और ये रिलेशन अगर आप देख रहे हैं फर्स्ट में ए प्लस बी इक्वल टू सी, तो ये ए प्लस बी इक्वल टू सी आपका केवल फोर्थ वाले ऑप्शन में है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ए वाले साइड का करेक्ट रिलेशन कितना हो गया, फोर्थ, और ए का फोर्थ अगर आप देखेंगे तो केवल आपका मात्र एक ही ऑप्शन है ए का फोर्थ, तो आप उसी को टिक लगा दीजिए, उसके सारे ऑप्शंस मैच कर रहे हैं, ठीक है। तो सेकंड का आप 2 कह सकते हैं। अब आइए थर्ड नंबर, ये मैकेनिक्स का सवाल है, इसमें एक्स इक्वल टू लिखा हुआ है t-3 का स्क्वायर और कह रहा है कि बताइए 6 सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। तो बेसिकली ये पार्टिकल अगर आप देखेंगे कि कहां पे है t = 0 पे, तो इसे हम कहते हैं x = 0,
टाइम टी इक्वल टू जीरो पे पार्टिकल का जो लोकेशन है वो एक्स इक्वल टू नाइन पे है, और ये लोकेशन हुआ पार्टिकल का टी इक्वल टू जीरो पे। जीरो जैसे पुट करेंगे तो माइनस थ्री का स्क्वायर, तो एक्स इक्वल टू नाइन हो गया यहाँ। अब अगर हम इसको थोड़ा सा एक्सपेंशन कर दे तो टू टी हो गया स्क्वायर, टी स्क्वायर हो जाएगा माइनस सिक्स टी अब प्लस नाइन हो जाएगा, ठीक है। और इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे तो वेलोसिटी हो जाएगा टू टी माइनस सिक्स, एक बार और डिफ्रेंशिएट करेंगे तो एक्सेलरेशन इक्वल टू टू हो जाएगा। तो टी इक्वल टू जीरो पे इसके वेलोसिटी जो हो जाएंगे वो इस डायरेक्शन में हो जाएंगे जो कि सिक्स हो गया, जिसको हम यू कहेंगे। नेगेटिव साइन का मतलब अपोजिट हो गया, क्योंकि तो इधर की तरफ हम लोगों ने प्लस एक्स माना है, ठीक है। और टी इक्वल टू जीरो पे इसके पास एक्सेलरेशन है ये, तो इसका मतलब है ए इक्वल टू टू है और ये कॉन्स्टेंट है, तो कॉन्स्टेंट है ये रिटार्डेशन का काम करेगा क्योंकि वेलोसिटी का ठीक अपोजिट है। तो ये पार्टिकल क्या होंगे, ये पार्टिकल यहां से मूव करते हुए यहां जाएगा कहीं और ये रुकेगा यहां पे, रुकने के बाद ये फिर बैक इस लोकेशन पे आएगा। क्यों? क्योंकि अगर आप देखेंगे तो एट टी इक्वल टू सिक्स पे अगर आप देखते हैं तो पार्टिकल अगेन नाइन पे है, मतलब इसी लोकेशन पे है टी इक्वल टू सिक्स पे, ठीक है। तो क्या हुआ, यहां से यहां गया और यहां से फिर बैक आया, तो यहां से यहां गया कितना डिस्टेंस, तो एक्स मैक्सिमम, ये फॉर्मूला हमने क्लास में भी डिस्कशन किया था, जो कि यू स्क्वायर डिवाइड बाय टू ए होता है, यू स्क्वायर डिवाइड बाय टू ए इन केस ऑफ रिटार्डेशन। तो एक्स मैक्सिमम का वैल्यू होगा सिक्स का स्क्वायर डिवाइड बाय टू ए की जगह पे आप टू डालेंगे, मतलब 36 डिवाइड बाय फोर इट मीन्स नाइन हो जाएगा। तो नाइन मीटर ट्रेवल करने के बाद ये इंस्टेंटेनियसली रेस्ट में आएगा और अगेन ये बैक आना चाहेगा इस लोकेशन पे, क्योंकि इसके पास कॉन्स्टेंट एक्सेलरेशन हो जाएगा बैक जब आ रहा होगा तब, ठीक है। तो टोटल डिस्टेंस कितने ट्रेवल किए, तो 9 मीटर जाने में 9 मीटर आने में, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, तो डिस्टेंस आपका हो जाएगा 9 प्लस 9 18 मीटर, ये करेक्ट डिस्टेंस हो जाएगा। इसमें जानबूझ करके क्योंकि अगर आप t इक्वल टू यहाँ पे जीरो रखेंगे तो भी इसी लोकेशन पे आएगा, सिक्स रखेंगे तो भी, तो ये जान के क्योंकि स्टेटमेंट इस तरह से दिया जाता है कि आपको दोनों समय में उसी लोकेशन पे है, मतलब आपको लगेगा कि ऑब्जेक्ट मूव ही नहीं किया है। अगर बहुत अच्छा हो जाता, अगर एक ऑप्शन जीरो डिस्टेंस भी दे देता तो हो सकता कि कुछ बच्चे कंफ्यूज होकर के जीरो भी टिक लगा सकते थे, लेकिन इसमें सब फाइनाइट है तो बच्चे ये दिमाग लगा लेते हैं कि कुछ ना कुछ पार्टिकल मोशन तो जरूर किया होगा और इसके बेसिस पर मोशन कैलकुलेट करने लगता है। तो इसको आप ओपन कर दीजिए, एक्सपेंशन में चले जाइए, ये फॉर्म इसको डिफरेंशिएट कर दिया, ये एक्सेलरेशन, ये टाइम जीरो रख कर करके पोजीशन निकाल लिए, वेलोसिटी निकाल लिया और रिटार्डेशन निकाल लिया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर देखिए ध्यान से। ये जो क्वेश्चन नंबर फोर है इसको अगर आप बहुत ध्यान से पढ़ेंगे तब आपको ये स्टेटमेंट क्लियर होगा कि कह रहा है कि आपके पास कैनॉन जो है ये प्रोजेक्ट कर रहा है पैकेट को और वो मूव कर सकता है 4 मीटर पर सेकेंड से, कैन बी मूव लिखा हुआ है। तो यहां पे इस सरफेस पे मैक्सिमम हाइट की तरह काम करेगा ये हिल का हाइट, ये एच मैक्स होगा, इसकी वैल्यू है 720 मीटर, ठीक है। और कैनन जो है ये जो फायर कर रहा है, ये जो ऑब्जेक्ट फायर कर रहा होता है, इसकी जो वेलोसिटी हो सकती है वो u इक्वल टू 130 मीटर पर सेकेंड है, ठीक है, इतना से ये फायर कर सकता है। तो कह रहा है कि मिनिमम टाइम बताइए जिससे कि इसको क्रॉस कर दिया जाए पैकेट को, ठीक है। तो अगर ये एच मैक्स हुआ इसका एंगल ऑफ प्रोजेक्शन क्या होगा, इसका एंगल ऑफ प्रोजेक्शन क्या होगा, थीटा होगा। कैसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं, तो एच मैक्स इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय 2g। एच मैक्स 720, यू के जगह पे 130 इंटू 130 साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय 2, जी के जगह पे 10 आप पुट कर लीजिए। क्वेश्चन कह रहा है 10 पुट करने के लिए, तो आपका ये जीरो और ये जीरो कैंसिल हो गया,
और एक जीरो और एक जीरो ये भी कैंसिल हो जाएगा, टू से मल्टीप्लाई करेंगे तो 144 डिवाइड बाय 30 इन इंटू 30 इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, यहां से क्या क्लियर हो जाएगा आपका, साइन थीटा का वैल्यू आप 12/13 लिख लेंगे। साइन थीटा अगर 12/13 हो जाएगा तो कॉस थीटा डेफिनेटली है आपका 5/13 हो गया। ठीक है, अब अगर आप रेंज कैलकुलेट करना चाहे तो आप कर सकते हैं रेंज, कि आपका रेंज क्या होगा, द रेंज इज इक्वल टू यू स्क्वायर टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा डिवाइड बाय जी। तो देखिए ए रेंज इक्वल टू 130 इंटू 130 इंटू टू और यह हो जाएगा 12/30 इंटू 5/13 डिवाइड बाय जी के जगह पे 10, एक और एक कैंसिल हो गया, एक 13 से ये भी कैंसिल हो जाएगा और एक 13 से ये हो जाएगा और यहां बचेगा 10। तो 10 इंटू 5 इंटू 2 10, इट मीन्स रेंज इज इक्वल टू 1200 हो जाएगा। अब यहां से आप सोचना शुरू करेंगे, बेसिकली इसमें होगा क्या चीज ये समझिए ध्यान से कि ये जो 1200 जो है आपका, तो ये मैक्सिमम हाइट है, तो सिमेट्रिकली ये बताता है सिमेट्रिकली कि ये आपका ऑब्जेक्ट इधर जाएगा और यहां से ये ऑब्जेक्ट इधर करते हुए ऐसे आएगा। ठीक है, तो ये कितने डिस्टेंस होंगे 600 और ये भी कितना होगा 600, ये 600 होगा। ठीक है, थोड़ा सा मैं इसको और बड़ा कर देता हूं आपको अच्छा इमेजिनेशन हो पाएगा, ये रहा ऐसे, चलो ऐसे कर दिया तो यहां तक। अब आप सोचिए आपकी क्वेश्चन के स्टेटमेंट कह रहे हैं कि इनिशियली कैनन जो है अवेलेबल वो कहां पे अवेलेबल है, इनिशियली जो वो अवेलेबल है ये 700 मीटर पे अवेलेबल है, कहां से, हिल से, ये हिल से 700 पे, और ये जो डेटा है इस डेटा के बेसिस पे उसे फायर करना पड़ेगा 600 जब वो हिल से रहेगा तब। इसका मतलब है कि पहले कैनन को मूव करना पड़ेगा 4 मीटर पर सेकंड के स्पीड से, कितनी दूरी ट्रेवल करनी पड़ेगी, 100 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करनी पड़ेगी, कितना मीटर पर सेकंड से, 4 मीटर पर सेकंड से 100 मीटर ट्रेवल करनी होगी और आफ्टर दैट ये यहां से प्रोजेक्ट करेगा। तो ये प्रोजेक्ट करेगा तो इसका जो टाइम ऑफ फ्लाइट होगा, टाइम ऑफ फ्लाइट अगर आप देखेंगे इस केस में कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2u sin थीटा बाय जी हो जाएगा। ठीक है, अगर आप देखेंगे 2u के जगह पे 130 और sin थीटा की जगह पे 12 और डिवाइड बाय 30 और जी के जगह पे 10, ये और ये और ये कैंसिल, यानी कि 24 टाइम ऑफ फ्लाइट इसका 24 सेकेंड हुआ ऑब्जेक्ट अगर प्रोजेक्ट करेगा तो। और यहां से ये जो मूव करेगा ये कितना डिस्टेंस, ये 100 मीटर जाएगा 4 मीटर पर सेकंड से, तो t इक्वल टू 0 पे यहां पे है तो यहां पे पहुंचेगा t इक्वल टू 100 डिवाइड बाय 4, इट मींस t इक्वल टू 25 सेकंड। कैनन जो है 25 सेकंड मूव करेगा 100 मीटर 25 सेकंड में और उसके बाद वो प्रोजेक्ट करेगा ऑब्जेक्ट को जो कि 24 सेकंड में इस साइड में स्ट्राइक करेगा। तो टोटल अगर आप देखेंगे टाइम कितना में यहां पे पहुंचा कैनन के द्वारा जो प्रोजेक्टेड ऑब्जेक्ट है वो यहां पे कितने देर में पहुंचा, तो 24 प्लस 25 टोटल मिला करके 49 सेकंड में एक इंड से दूसरे इंड जाएगा। अब यहां पे बच्चों को डाउट होती है कि सर एक बात बताया जाए कि ये जो 4 मीटर पर सेकंड है ये इसके हॉरिजॉन्टल में ऐड होंगे कि नहीं होंगे, यहाँ पे अगर आप हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट लेंगे तो उसमें ऐड होंगे कि नहीं, तो बेटा इसमें ऐड नहीं करना है। रीजन इज कि आपको कह रहा है कैनन में होता क्या चीज है कि इसमें जो फायर होने लगता है तो जिस समय फायरिंग होती है तो रेस्ट में रहता है तब फायर होता है, इस बात की पुष्टि ये स्टेटमेंट कर रहा है जिसको आप थोड़ा सा लिटिल वेट फोकस देंगे तो समझ सकते हैं। लिख रहा है यहाँ पे कि फुट ऑफ द हिल एंड द कैन बी मूव्ड ऑन द ग्राउंड एट ए स्पीड ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड, कैन बी मूव मतलब वो मूव कर सकता है, मूविंग नहीं है, ऑलवेज मूव कर सकता है। उम्मीद करता हूं कि एक्सप्लेनेशन ये आपको समझ में आया होगा।
ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ये जो फाइव है बेटा, ये क्वेश्चन नंबर फाइव आप समझने का कोशिश करें. ये इस तरह का फिगर बनाया हुआ है और यहां पे पुल्ली है दिया हुआ और ये मास है M2 और इस पुल्ली से यहां पे आया है ये ऑब्जेक्ट. ये मास है M1 और कॉफिशेंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू है. अब आप सोचिए थोड़ा सा, एक रिलेशन आप ड्राइव करेंगे उससे हो जाएगा. सपोज कि अगर ये ऊपर मूव कर रहा है तो ये डेफिनेटली नीचे आएगा. इधर जो पुलिंग फोर्स है वो है M2G. अगर ये मूव किया तो इसका नीचे की तरफ हो गया M1G असाइन थीटा. ये एंगल है थीटा तो, और साथ में यहां पे फ्रिक्शन पीछे की तरफ लगेगा, फ्रिक्शन जिसको लिखेंगे म्यू M1G कॉस थीटा. ठीक है, अगर ये मूव ऊपर किया तो क्या होना पड़ेगा, M2G को बड़ा होना पड़ेगा M1G साइन थीटा प्लस म्यू M1G कॉस थीटा. इस टर्म से इसको बड़ा होना पड़ेगा. ये और जी कैंसिल, मतलब M2 को बड़ा होना पड़ेगा. M1 कॉमन ले लीजिए और साइन थीटा और प्लस म्यू कॉस थीटा से. अब ये आपको पूरा डिसीजन सभी ऑप्शन के बारे में बता देगा, सभी ऑप्शन के बारे में. तो ऊपर मूव करने का ये कंडीशन है. तो आप देखिए द बॉडी विल मूव अप द प्लेन, उसमें कंडीशन लिखा है. फर्स्ट वाला ऑप्शन गलत हो गया क्योंकि M1 साइन थीटा यहां माइनस साइन है बेटा, तो गलत हो गया. सेकंड का द बॉडी विल मूव अप द प्लेन, अप द प्लेन में इसका वैल्यू लेस देन दे दिया है तो गलत हो गया सेकंड वाला भी. थर्ड में दिखेगा तो M2 लेस देन हो गया M1 साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा. द बॉडी विल मूव डाउन द प्लेन. अब अगर डाउन द प्लेन, नीचे वाला भी कंडीशन एक लिख लीजिए, डाउन द प्लेन भी लिख लीजिए, आपको इमिडिएटली समझ में आ जाएगा ये पॉइंट भी. ये रहा ऑब्जेक्ट और ये रहा आपके पास पुल्ली और यहां पे ये रहा ये ऑब्जेक्ट, ये है M2 और ये है M1. डाउन द प्लेन का मतलब इधर की तरफ इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी M1 G असाइन थीटा और यहां पे बेटा ऊपर की तरफ लग रहा है फ्रिक्शन तो म्यू M1 G कॉस थीटा और इधर की तरफ है M2 G. तो क्या होना चाहिए, M1 G असाइन थीटा की वैल्यू ग्रेटर देन होना चाहिए म्यू M1 G कॉस थीटा प्लस M2 G से. M G G कैंसिल हो गया तो यहां हो जाएगा M1 साइन थीटा माइनस म्यू M1 कॉस थीटा. ये पूरी की वैल्यू ग्रेटर देन होना चाहिए M2 से. तो M1 कॉमन ले लिया और यहां से साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा, इसकी वैल्यू ग्रेटर देन हो गया M2 से. अब देखिए M2 की वैल्यू अगर ये लेस देन होगा तो ये नीचे की तरफ मूव करेगा. आई थिंक M2 लेस देन M1 साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा, ये डी फोर्थ वाला ऑप्शन जो है केवल इस कंडीशन को फुलफिल कर रहा है. इसका मतलब आप कह सकते हैं कि फोर्थ ऑप्शन आपका करेक्ट. ठीक है, केवल कंडीशन लिखना था और क्विक डिसीजन लेनी थी. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सिक्स कह रहा है आपके पास ये हेलीकॉप्टर है बेटा, इसका जो मास है ये सब सब आपको प्रोवाइड कर दिया गया है और ये टेक ऑफ कर रहा है. तो आप देखेंगे तो 2500 केजी इसकी खुद की मास है और इसमें जो पैसेंजर हैं इनका मास है 750 केजी. तो इस पूरे सिस्टम पे नीचे की तरफ mg लगा जो कि 2500 प्लस 750 इनटू g और ऊपर की तरफ इसके पे जो फोर्स लगेगा जिसकी वजह से ये अब ऊपर की तरफ उठना शुरू करेगा a एक्सेशन से जो आपको ऑलरेडी प्रोवाइडेड है 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से. तो ये फोर्स कितनी होगी, दिस इज द क्वेश्चन, कितनी होगी ये फोर्स बेटा. F माइनस 2500 प्लस
750g f minus mg equal to ma. तो 2500 प्लस 750 इंटू ए, ए के जगह पे ये डाल दीजिए, इसको उस साइड भेज सकते हैं, तो एफ इज इक्वल टू कितना होगा 2500 प्लस 750 इंटू जी प्लस ए, ये रहा, ये वैल्यू आप पुट कर दीजिए, सब आपका आपको आंसर मिलेगा। जी का वैल्यू 10 दिया हुआ है, ए का वैल्यू है 20, रखेंगे आपको रिजल्ट मिल जाएगा, फोर्थ ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अब आइए क्वेश्चन नंबर 7, अगर आप देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है 7 में, विच ऑफ द फ्लोइंग डायग्राम करेक्टली, ये इसको केवल ऑप्शन से आप इसको एलिमिनेट कर सकते थे। आप जानते हैं कि कोई भी प्लेनेट अगर सन के अराउंड मूव कर रहा है तो इलिप्टिकल पाथ में मोशन कर रहा होता है, ठीक है। आपको पता है कि सबसे ज्यादा दूरी पे इसकी वेलोसिटी जो होती है सबसे मिनिमम होती है, भी मिनिमम होती है, ठीक है, और सबसे नजदीक में जो रहती है यहां पे इसका वेलोसिटी जो होता है सबसे ज्यादा होता है, मैक्सिमम होता है, भी मैक्स होता है। क्लोजेस्ट डिस्टेंस पे मैक्सिमम वेलोसिटी, फारेस्ट डिस्टेंस पे मिनिमम वेलोसिटी। तो यहां से काइनेटिक एनर्जी बढ़ना शुरू करेगा, यहां मैक्सिमम होगा और फिर घटना शुरू करेगा, ये मिनिमम होगा। काइनेटिक एनर्जी कभी भी जीरो नहीं हो सकता है। तो आपका ऑप्शन में अगर आप देखेंगे तो फर्स्ट में कह रहा है काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट है जो कभी नहीं हो सकता है, सेकंड में कहेगा काइनेटिक एनर्जी जीरो है जो कभी पॉसिबल नहीं है, और फोर्थ में कह रहा है काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव है जो नहीं हो सकता है, और सॉरी थर्ड में फोर्थ में कह रहा है कि काइनेटिक एनर्जी पॉजिटिव और आपका प्लस भी है और कम भी हो रहा है, तो आपका फोर्थ ऑप्शन अप्रोप्रिएट हो गया। आप देखिए ध्यान से बेटा, थर्ड क्यों नहीं हुआ इसके पीछे रीजन आप समझिए। थर्ड में आपका इस तरह से ऐसे कर दिया है, ये रहा काइनेटिक एनर्जी और ये रहा टाइम, इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी निगेटिव है जो कि कभी पॉसिबल नहीं है। काइनेटिक एनर्जी निगेटिव कभी नहीं हो सकता, काइनेटिक एनर्जी हमेशा पॉजिटिव होगा। हाँ, इंक्रीज और डिक्रीज कर सकता है, बढ़ और घट सकता है, जो कि आपका फोर्थ ऑप्शन में हुआ है। इसी बात है, ये रहा आपके पास टाइम और यहां है काइनेटिक एनर्जी। अगर आप इस ऑप्शन को बहुत ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे आपका इंक्रीज हो रहा है, मैक्सिमम हुआ, फिर डिक्रीज हुआ, मिनिमम हुआ, फिर इंक्रीज करना शुरू हो गया, तो ये आपका एप्रोप्रिएट ऑप्शन हो गया। आपको इलिमिनेट कर देना चाहिए इस ऑप्शन को। ठीक है, अब नेक्स्ट अगर आप देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 8, बहुत इजी कह रहा है कि आपके पास ये जो मतलब बॉगी है, कह सकते हैं इसका जो एब्जॉर्बिंग लेंथ है 3 मीटर दिया हुआ है, मास दिया हुआ आपको, ये पूरी तरह से इसका मास आपको प्रोवाइडेड है, अब 410 ये केजी, इसको एम कह सकते हैं आप, ठीक है, और ये मोशन में है भी है जो कि आप कह सकते हैं 90 किलोमीटर पर आवर है, जिसको आप कह सकते हैं कि 90 × 5/18 इसको मीटर पर सेकेंड, इसका मतलब 25 मीटर पर सेकेंड से स्पीड से ये मोशन कर रहा है, ठीक है। तो इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, काइनेटिक एनर्जी इसकी होगी ½mv², मतलब आप निकाल सकते हैं ½ × 25 का स्क्वायर, काइनेटिक एनर्जी मिल गया। अब कह रहा है कि इसका 80% फ्रिक्शन में लॉस हो रहा है और केवल 20% ही कन्वर्ट हो रहा है स्प्रिंग में, तो इसका 20% आप निकाल लीजिए, तो काइनेटिक एनर्जी का 20/100 इतना एनर्जी स्प्रिंग में गया, और उस स्प्रिंग को कितना कंप्रेस किया है, तो ½ × x², x का वैल्यू 2 है, तो 2 मीटर दिया हुआ है, कंप्रेस्ड स्प्रिंग इज कंप्रेस्ड बाय 2 मीटर, तो 2 दे दिया है, तो ½ × 2 का स्क्वायर कर दीजिए, तो यहां से आप काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू, ये वाला वैल्यू जो है, इस वैल्यू को आप यहां पे पुट कर देंगे और यहां से आपको k की वैल्यू मिल जाएगी, स्प्रिंग कॉन्स्टेंट कितनी होगी ये मिल जाएगी, ठीक है। उम्मीद करता हूं कि ये पॉइंट आपको क्लियर हो चुका होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो 9 है, इसमें कह रहा है कि टॉर्क 0 हुआ है, तो
तो बेटा टॉर्क जीरो हुआ है तो टॉर्क होता है आर क्रॉस एफ, तो आर एफ साइन थीटा, तो या तो थीटा की वैल्यू जीरो और 180 डिग्री होनी चाहिए तो भी हो जाएगा, या परपेंडिकुलर डिस्टेंस जीरो हो जाए तो भी हो जाएगा, या फोर्स जीरो हो जाए तो भी हो जाएगा, या ऐसा हो जाए कि कुछ फोर्स का टॉर्क पॉजिटिव हो जाए और कुछ फोर्स का टॉर्क नेगेटिव हो जाए, जिससे कि नेट टॉर्क की वैल्यू कितना हो जाए, जीरो हो जाए, तो पॉसिबिलिटीज होगी। तो इस स्टेटमेंट को ध्यान में रखते हुए आप इस ऑप्शन में जा सकते हैं कि टॉर्क इक्वल टू आर एफ साइन थीटा, टॉर्क की वैल्यू इसने क्या कहा, जीरो है। टॉर्क की वैल्यू क्या कहा गया है क्वेश्चन में, जीरो है। स्टेटमेंट देख रहे हैं तो क्या है, द फोर्स मे बी एक्टिंग रेडियली फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द एक्सिस, यस ये जीरो डिग्री या 180 डिग्री के बारे में बात हो जाएगी यहाँ पे। रेडियली आउटवर्ड अगर फोर्स लग रहा है तो जीरो डिग्री हो गया, तो टॉर्क की वैल्यू जीरो हो जाएगी, तो ए वाला करेक्ट हो गया। द फोर्स मे बी एक्टिंग ऑन द एक्सिस ऑफ रोटेशन, यस अगर एक्सेस ऑफ रोटेशन पे फोर्स अगर लग गया तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस वैल्यू जीरो होगी, तो टॉर्क का वैल्यू आपका जीरो हो जाएगा, तो बी भी ट्रू हो गया। द फोर्स मे बी एक्टिंग पैरेलल टू द एक्सेस ऑफ रोटेशन, यस बेटा जब एक्सेस ऑफ रोटेशन के पैरेलल अगर फोर्स हो जाएगा तो उसका रोटेशन जो है वो आप एक तरह से कह सकते हैं कि सीज हो जाएगा पैरेलल टू द एक्सेस, क्योंकि पैरेलल टू द एक्सेस होगा तो वो रोटेक्ट किस सेंस में करेगा, वो उसका रोटेशन का सेंस स्टॉप हो जाएगा। ये रहा आपका एक्सेस, समझ लीजिए ए और बी है, और आपने फोर्स यहां पे लगा दिया, ये इस डायरेक्शन में ये लगा दिया फोर्स एफ, तो अगर आप इस फोर्स की वजह से इसका एक्सेस ऑफ रोटेशन यानी घुमाने का सेंस देखेंगे तो ये हो गया, मतलब ये एक्सेस के ठीक अंदर की तरफ चला गया, जो कि पॉसिबल नहीं है, इसलिए आप इस ऑप्शन को भी कंसिडर करेंगे कि ये भी पॉसिबल नहीं होगा, यानी इस केस में भी टॉर्क की वैल्यू जीरो ही होना पड़ेगा। ठीक है, क्यों आप सोचो ना, ऐसे अगर फोर्स लग रहा है तो ये घुमाने का सेंस ऐसे करेगा, और अगर ऐसे घुमाने का सेंस करेगा तब इसका एक्सेस ऑफ रोटेशन टुवार्ड्स यू आपके तरफ हो जाएगा, ये ए भी नहीं होगा तो आपके तरफ हो जाएगा, समझ रहे बातों को, तो गलत हो गया ये भी, ठीक है ना। तो या तो टॉर्क जीरो हो जाए या नहीं तो फिर एक्सेस चेंज हो जाए, एक्सेस वही आ रहा है तो टॉर्क को ही जीरो आना पड़ेगा, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं हो पा रहा, तो आप सी भी करेक्ट कह सकते हो। द टॉर्क कॉज बाय सम फोर्स मे बी इक्वल एंड अपोजिट टू दैट ऑफ द कॉज बाय द अदर फोर्स, यस ये तो बिल्कुल पॉसिबिलिटीज है कि कुछ फोर्स का टॉर्क पॉजिटिव हो गया और कुछ फोर्स का टॉर्क नेगेटिव हो गया, दोनों का सम मिलाकर के नेट टॉर्क को क्या कर दिया गया, जीरो किया कर दिया गया। तो इसके बेसिस पे आपके सभी ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगे, ए बी सी डी सभी हो जाएंगे। ठीक है, अब आइए क्वेश्चन नंबर 10, बहुत ही सिंपल बट कैलकुलेटिव है, थोड़ा कैलकुलेशन करना पड़ेगा। आपसे कह रहा है कि यूनिफॉर्म रड है जिसका लेंथ 1 मीटर है, ये रहा आपके पास रड जिसमें इसको हम लोग x इक्वल टू जीरो कह सकते हैं, और यहां पे x इक्वल टू 1 है, इसका 1 मीटर लेंथ है। अब यहां से अगर हम x डिस्टेंस पे छोटा सा एक एलिमेंट लेते हैं जिसका मास जो होगा dm होगा और जिसका लेंथ होगा dx होगा, ठीक है, तो dm को क्या लिख सकते हैं, मास dm को लिख सकते हैं रो इंटू डी एक्स, जैसा कि रो आपको दिया हुआ है, रो का वैल्यू दिया हुआ है ए इंटू 1 प्लस bx क्यूब इंटू डी एक्स, हो गया dm मिल गया। अब dm का कोऑर्डिनेट आप ले लीजिए, तो बेटा dm का कोऑर्डिनेट अगर हम लोग लेंगे तो ये हो गया x,0, तो मुझे पूछा गया है केवल xcm, हम xcm किसको कहेंगे, xcm का मतलब हुआ xdm डिवाइड बाय dm, तो बेसिकली दो इंटीग्रेशन मुझे परफॉर्म करने होंगे, फर्स्ट में dm का इंटीग्रेशन, ये dm का इंटीग्रेशन, dm क्या हो गया, dm हो जाएगा, ये हो जाएगा a इंटू 1 प्लस bx³ dx, और ये इंटीग्रेशन 0 से 1, उम्मीद करता हूं कि इंटीग्रेशन आप परफॉर्म कर लेंगे। ठीक है, अब दूसरा इंटीग्रेशन मुझे करना पड़ेगा एक्स डी एम, इसका मतलब हुआ एक्स इंटू ए इंटू 1 प्लस bx³ इंटू डी एक्स, ये एक्स को अंदर ले जा सकते हैं आप, और इसको लिख सकते हैं ए इंटू एक्स प्लस बी एक्स का पावर 4 इंटू डी एक्स, और ये इंटीग्रेशन 0 से लेकर 1 तक, तो मुझे लगता है कि एक्स डी एम ये भी आप बहुत अच्छे तरीके से परफॉर्म कर लेंगे। अब ये इंटीग्रेशन का जो वैल्यू आएगा इसमें डिवाइड कर दीजिएगा इस वाले वैल्यू से, तो आपको आंसर मिल जाएगा। उम्मीद करता हूं आप सारे बच्चों से रखता भी उम्मीद हूं
कि आप जोड़ कैलकुलेशन कर लेंगे तो क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन थर्ड आपको मिल जाएगा जो कि बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 11 पढ़िए आप सभी बच्चे। क्वेश्चन नंबर 11। द एयर बबल साइन इन वाटर, ऑब्वियस बात है रिफ्लेक्शन वहां पे हो रहा है। ठीक है, एयर बबल इज वाट इन वाटर साइन ड्यू टू रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। नो, रिफ्रैक्शन की वजह नहीं, रिफ्लेक्शन की वजह से, उसको थिन फिल्म इंटरफेरेंस कहते हैं। एयर बबल पे का जो सरफेस होता है बहुत थिन होता है, उस पर लाइट अगर इंसिडेंट होता है तो रिफ्लेक्ट हो रहा होता है, जिसकी वजह से थिन फिल्म इंटरफेरेंस होता है, इंटरफेरेंस हुआ और आपको अलग अलग तरह का कलर और अलग तरह का शाइनिंग आपको दिख रहा होगा। ठीक है, द स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, साइन करता है, और स्टेटमेंट 2 जो है वो रिफ्रैक्शन होता है वो गलत हो गया। तो स्टेटमेंट 2 गलत हो गया, स्टेटमेंट 1 सही हो गया। ठीक है, तो आपका सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 11 का 2 हो गया। अगर 12 का क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, 12 में क्या है कि आप इसके स्टेटमेंट को पढ़ें। कह रहा है कि एक ए रेडियस का स्फीयर है जिसका मास एम है, ये सेंटर है और इसका रेडियस है ए, ठीक है ना, और ये सॉलिड है। अच्छी बात है। अब इसके ऊपर एक 3a थिकनेस का स्फेरिकल हॉलो सेल डाला गया, ठीक है, लेकिन उसका रेडियस भी, इनर रेडियस भी a है। तो बेटा सेकंड जो है उसका इनर रेडियस a ही है, तो यहीं से शुरुआत हो गया, यहीं से शुरुआत होगी, और आउटर रेडियस इसका 4a हो जाएगा क्योंकि यहां से यहां तक 3a है। तो सेंटर से इसकी डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 4a, और ये हॉलो स्फेरिकल सेल, उसका इनर रेडियस वो वाला पार्ट दिया। तो आपसे कह रहा है कि इस वाले पॉइंट पे ग्रेविटेशनल फील्ड बताओ कितना होगा। ठीक है, तो ग्रेविटेशनल फील्ड सिंपल है, ग्रेविटेशनल फील्ड अगर हम लोग निकालते हैं तो जी अ टोटल मास, GMM टोटल मास, क्योंकि इसका मास है 3m और इसका मास है m, GMM by r square, तो 4a का स्क्वायर। ये रहा ग्रेविटेशनल फील्ड सरफेस पे इस कॉम्बिनेशन की वजह से, और किधर की तरफ होगा, तो टुवर्ड्स द सेंटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, सभी बच्चे इसको कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कंटिन्यूटी इक्वेशन लगा देना है, कंटिन्यूटी इक्वेशन इसमें लगा कर कर करके आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ये जो है एरिया है ए, और इसका मोमेंट वेलोसिटी जो है आपका 8 है, और ये भी एरिया है ए और इसकी वेलोसिटी जो है वो 2 है, और इसका एरिया है 2a और इसकी वेलोसिटी भी है, बताने की कितनी है। तो यहां पे लिखेंगे एरिया इनटू वेलोसिटी इक्वल टू एरिया इनटू वेलोसिटी प्लस एरिया इनटू वेलोसिटी, और यहां से हम लोग a और a कैंसिल हो गया, तो 8 इक्वल टू 2 प्लस 2 भी, वो इक्वल टू आप 3 कह सकते हैं। ठीक है ना, तो आसान है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 14 जो है आपका, इस 14 में क्या कह रहा है, 14 में कह रहा है कि मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से, तो मोस्ट प्रोबेबल स्पीड जो होता है वो अंडर रूट 2RT बाय m होता है। इसका मतलब है कि a का थर्ड हो गया, इसका थर्ड हो गया, a का थर्ड अगर आप देखते हैं तो फर्स्ट और फोर्थ में है। ठीक है,
और बी का 4 दोनों में है, सी का 1 और फर्स्ट में है, और सी में सेकंड है, डी कॉमन है, डी भी सेम है। मतलब अगर ए 1 और 4th दोनों ऑप्शन को अगर आप देखते हैं तो सारे ऑप्शन आपको मतलब सारे कॉलम मिल रहे हैं, केवल सी वाला नहीं मिल रहा है। तो सी को बड़े ध्यान से देख लीजिए कि सी का क्या हो सकता है। सी में प्रेशर है, तो प्रेशर इज इक्वल टू क्या होगा, तो पी भी इक्वल टू आप लिख सकते हैं एनआरटी लिखेंगे, तो पी इक्वल टू एन बाय वी इंटू आर इंटू टी, तो पी इक्वल टू एन बाय एन को हम लोग टोटल नंबर डिवाइड बाय वी इंटू आर बाय एन ए इंटू टी, ये एन डिवाइड बाय एन ए, ये जो नंबर ऑफ मोल होता है। अब देखिए क्वेश्चन में चालाकी से क्वेश्चन ने क्या कह दिया है कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पर यूनिट वॉल्यूम इज स्मॉल एन, ये दे दिया है, ये स्मॉल एन दे दिया। क्वेश्चन देखिए, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पर यूनिट वॉल्यूम, तो आप यहां से क्या कह सकते हैं, इसको स्मॉल एन कह सकते हैं, और ये बोल्ट्जमैन कांस्टेंट के हो गया आर बाय एन ए एन टू टी, तो प्रेशर का वैल्यू कितना हो जाएगा एन के टी, प्रेशर का वैल्यू हो गया एन के टी, एन के टी आपका फर्स्ट है, यानी कि प्रेशर सी वाले ऑप्शन का करेक्ट जो मैचिंग है कॉलम टू से वो फर्स्ट होगा, तो उसके बेसिस पर अगर आप देखेंगे तो फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 15 जो है इसको आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत ये नहीं है। इसमें आपको कार्नोट फ्रीजर टेक्स हीट फ्रॉम दिया है वाटर एट 0 डिग्री इनसाइड द इट, तो कार्नोट वाला तो आप उसकी इफिशियंसी को ही यूज कर लीजिए, इक्वल टू 1 माइनस T2 बाय T1, ये कर लीजिए। और अगर आप देख रहे हैं तो T2 और ये इफिशियंसी आपको 60% आपको T2 का वैल्यू दिया हुआ 0 डिग्री और T1 का वैल्यू है 30 डिग्री, तो T2 इज 273 और T1 इज 30, इसमें ऐड कर दीजिएगा 273 ना, यस 3, और इसको 30 ऐड कर दीजिएगा तो 303 हो जाएगा, 30 ऐड कर दीजिएगा तो 300, ठीक है। अब आपको यहाँ पे डेल्टा क्यू 2 का जो वैल्यू है वो प्रोवाइडेड है, कितना एनर्जी वो एक्सट्रैक्ट किया है, डेल्टा क्यू 2 का वैल्यू जो है ये m इंटू एल एफ है, तो डेल्टा क्यू 1 आपको मिल जाएगा यहाँ से, और तब डेल्टा w वर्क डन इक्वल टू लिख सकते हैं डेल्टा क्यू 1 माइनस डेल्टा क्यू 2, और इससे आपको वर्क डन मिल जाएगा, जो वर्क होगा वही वाला वैल्यू उसके आंसर होंगे, ठीक है। नेक्स्ट अगर आप देखें क्वेश्चन नंबर 16, इसमें एनालॉग है ये, L1 फाइनल होगा तो L1 प्लस L1 अल्फा 1 डेल्टा टी, और L2 फाइनल का मतलब हुआ L2 प्लस L2 अल्फा 2 डेल्टा टी, तो L1 फाइनल प्लस L2 फाइनल इज इक्वल टू L1 प्लस L2 प्लस L1 प्लस L2 इंटू अल्फा इक्विवेलेंट डेल्टा टी। अब इसको कंपेयर कर लीजिए, तो मुझे लगता है इस दोनों को जोड़िएगा ना, कंपेयर कीजिएगा तो आपको मिलेगा L1 प्लस L2 तो ठीक है, और यहां मिलेगा क्या चीज, L1 अल्फा 1 प्लस L2 अल्फा 2 इंटू डेल्टा टी। अगर इक्विवेलेंसी कंपेयर किया जाए तो ये और ये दोनों सेम हो गया, ये सेम हो गया, तो हम क्या कह सकते हैं अल्फा इक्विवेलेंट इज इक्वल टू अल्फा इक्विवेलेंट इज इक्वल टू L1 अल्फा 1 प्लस L2 अल्फा 2 डिवाइड बाय L1 प्लस L2, ये रहा आपके पास अल्फा इक्विवेलेंट, यानी कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन अल्फा इक्विवेलेंट लिखेंगे तो ये वाला वैल्यू L1 अल्फा 1 प्लस L2 अल्फा 2 डिवाइड बाय L1 प्लस L2 हो गया, ठीक है। अब अगर आप देखें क्वेश्चन नंबर 17 सिंपल, इसमें क्या कह रहा है, स्टेटमेंट पढ़िए, एडियाबेटिकली चेंज हो रहा है और ए से बी जा रहा है, ये ए वाला स्टेज है और ये बी वाला स्टेज है, और एडियाबेटिकली प्रोसेस के तहत ये यहां से यहां जा रहा है, ए से बी जा रहा है, तो क्या हुआ कि वर्क डन ऑन द सिस्टम, सिस्टम पे वर्क डन हुआ,
इसमें आप कह सकते हैं कि डेल्टा डब्ल्यू बाय द गैस माइनस 60 हुआ। माइनस इसलिए क्योंकि सिस्टम ने इस पे वर्क करा है, माइनस 60 इसलिए सिस्टम, गैस ने कितना करा, निगेटिव वर्क करा, माइनस 60। तो अगर आप देखेंगे तो डेल्टा यू ए बी, ए और बी के बीच में माइनस ऑफ डेल्टा डब्ल्यू होता है, यानी कि इंटरनल एनर्जी चेंज ए टू बी कितना हुआ, 60 जूल हुआ। अब कहा कि गैस को ले गया ए से बी एक दूसरे प्रोसेस के तहत, और जिस प्रोसेस में ए से बी अगर गैस गया है तो इस प्रोसेस में हीट एब्जॉर्ब जो हुआ है डेल्टा क्यू, ये 25 कैलोरी हुआ। इसको हम लोग क्या कर सकते हैं कि 25 × 4.2 जूल कहेंगे, क्योंकि ये जूल में दिया हुआ, ये जूल में दिया हुआ बेटा, यूनिट पे जरूर फोकस रखिएगा, जूल में दिया। तो इतना दिए हैं तो बताओ इस प्रोसेस के तहत वर्क कितना हुआ होगा। तो कुछ नहीं, आप फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लगा सकते हैं यहां से, डेल्टा क्यू ए टू बी इक्वल टू डेल्टा डब्ल्यू ए टू बी अब प्लस डेल्टा यू ए टू बी हो गया। तो डेल्टा क्यू आपको दे दिया है 25 इंटू दिस वन, तो 25 × 4.2, और ये आपसे डिमांड है कि वर्क डन कितना हुआ होगा। इंटरनल एनर्जी में चेंज आपको पता है कि 60 हुआ, तो यहां से डेल्टा डब्ल्यू ए टू बी आप कैलकुलेट कर सकते हैं, ये मिल सकता है, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट आप देखें क्वेश्चन नंबर 18, इसमें क्या कह रहा है कि कंसीडर ए लाइट रे ट्रेवलिंग इन एयर इज इंसिडेंट इनटू ए मीडियम ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 3n रूट कर दीजिए, ये रहा इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और इधर एयर है तो कुछ नहीं है तो म्यू वन इक्वल टू वन मान लीजिए, यहां से इंसिडेंट हुआ। ठीक है, द इंसिडेंट एंगल इज ट्वाइस दैट ऑफ रिफ्रेक्टिंग एंगल, यानी कि रिफ्रेक्टिंग एंगल का ठीक डबल है। बहुत सारी बातें होगी, ये डेंसर मीडियम हो गया, ये रेयर मीडियम हो गया, तो अगर हम इसको, ये इंसिडेंट एंगल है आई, तो ये हो जाएगा आई बाई टू, तभी इसका डबल हो गया, इसको आप आर कह सकते हैं। लॉ ऑफ रिफ्रेक्शन यहां लगा दीजिएगा, तो म्यू वन असाइन आई इक्वल टू म्यू टू असाइन आर, चलिए म्यू वन वन हो गया, असाइन आई हो गया इक्वल टू म्यू टू हो गया 3n, और साइन r, r की जगह पर i बाई टू कर सकते हैं। आइए साइन i को क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू साइन i बाई टू इंटू कॉस i बाई टू, और आगे में लिख सकते हैं 3n इंटू साइन i बाई टू, यहां से साइन i बाई टू साइन i बाई टू कैंसिल हो गया, तो हम लोग कॉस i बाई टू को लिख सकते हैं रूट 3n बाई टू, इसका मतलब रूट ऑफ 3n बाय 4 कह सकते हैं, और इससे आप आई कैलकुलेट कर सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 आप देखिए, 19 में कह रहा है यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में द इंटेंसिटी जो है एट ए पॉइंट 3/4 ऑफ मैक्सिमम इंटेंसिटी एंगुलर पोजिशन ऑफ दिस पॉइंट इज, एक बात आप देखेंगे कि इंटेंसिटी मैक्सिमम कितना था, तो ये था आई नॉट प्लस आई नॉट प्लस 2I0 कॉस ऑफ डेल्टा फाइ, ये इंटेंसिटी का जनरल फॉर्म था। ठीक है, तो कह रहा है कि मैक्सिमम इंटेंसिटी जो है मैक्सिमम इंटेंसिटी इसमें कितना होगा, तो इसकी वैल्यू कितनी होती थी, 1 होती थी, तो इसकी वैल्यू 1 होती थी, तो मैक्सिमम इंटेंसिटी आई मैक्स कितना है हमारा, ये हो गया 4I0 हो गया, 2I0 + I0 + 2I0 मिलकर के 4I0 हो गया, मैक्सिमम इंटेंसिटी हो गया। ठीक है, अब इंटेंसिटी किसी भी पॉइंट पे चाहिए तो क्या लिखेंगे हम लोग, I0 + I0 + 2I0 cos ऑफ डेल्टा फाइ। अब कह रहा है कि जितना मैक्सिमम इंटेंसिटी था उसका 3/4 है, ये इंटेंसिटी 3/4 है, तो हम क्या लिख सकते हैं यहां पे, 3/4 इंटू मैक्सिमम, तो 4I0 कह सकते हैं, इसको कह सकते हैं 3/4 ऑफ मैक्सिमम इंटेंसिटी, तो एंगुलर पोजिशन क्या था, तो 3/4 ऑफ मैक्सिमम,
इंटेंसिटी, तो 4 और 4 कैंसिल हो गया, तो यहां से हो जाएगा 2i नॉट प्लस 2i नॉट cos ऑफ डेल्टा फाई। ये 2i नॉट को इधर ले आइएगा तो क्या हो जाएगा, i नॉट इज इक्वल टू 2i नॉट cos ऑफ डेल्टा फाई, i नॉट कैंसिल, तो cos ऑफ डेल्टा फाई इक्वल टू 1/2। और यहां से आप कह सकते हैं कि डेल्टा फाई कितना होगा, तो पाई बाय 6 60 डिग्री, कितना डिग्री होता है 60 डिग्री ना, तो पाई बाय 3 कर दीजिए, cos कितना डिग्री का, 1/2 होता है 60 डिग्री का, तो पाई बाय 3 कर दीजिए, ठीक है। अब आइए यहां पे इसको लिखिएगा 2 पाई बाय लैम्डा इनटू पाथ डिफरेंस, जो कि डी साइन थीटा होता था, डी साइन थीटा होता था, इसको पाई कर दीजिए तो पाई और पाई कैंसिल हो गया, तो साइन थीटा बाय 3, तो साइन थीटा इज इक्वल टू लैम्डा बाय 6d हुआ ना, ये लैम्डा यहां चला गया, ये 2 यहां आ गया, तो 6d, यही एंगुलर पोजीशन है बेटा, तो थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स लैम्डा बाय 6d, यही उसका एंगुलर पोजिशन है। एंगुलर पोजीशन का मतलब एंगल कितना एंगल बना रहा है वो पॉइंट, पार्टिकुलर पॉइंट उस लोकेशन पे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, 20 में कह रहा है कि यंग्स द डिस्टेंस बिटवीन टू स्लिट इज डी बाय 4 दिया है, एंड डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट एंड द स्क्रीन इज 2d दिया है, सबको चेंज किया है, द नंबर ऑफ फ्रिंज इन 1/4 मीटर, मतलब यहां से ये yd ऐसी है, इसको दे दिया है d/4, इसका वैल्यू दे दिया है 2d, ठीक है, और यहां पे डिस्टेंस ये जो हम लोगों का दिया हुआ है ये 1/4 मीटर दिया हुआ है, ठीक है। कह रहा है कि कितना फ्रिंज होगा इसके अंदर, और इसमें जो वेवलेंथ है जो यूज किया गया है वो 2 लैम्डा की है, ठीक है। हम लोगों ने जो यूज किया था लैम्डा, डिस्टेंस डी लिया था, इसको कैपिटल डी लिया था, तो फ्रिंज विड्थ पहले निकाल लीजिए, फ्रिंज विड्थ इक्वल टू लैम्डा डी बाय डी, ये फ्रिंज विड्थ था लैम्डा डी बाय डी, याद अगर हो तो ऊपर में था लैम्डा डी बाय डी, यस, ठीक है। अब आइए तो आपका फ्रिंज विड्थ होगा कितना, लैम्डा की जगह पे 2 लैम्डा दे दीजिए, डी की जगह पे 2d, स्मॉल डी की जगह पे d/4, तो फ्रिंज विड्थ जो हो जाएगा ये ऊपर चला जाएगा, तो 16 लैम्डा d/d हो गया, ये अकॉर्डिंग टू दिस सिचुएशन, और ये फॉर्मूला आप याद किए हुए रहते हैं, पहले से आप पढ़े हुए रहते हैं, ठीक है। अब आइए तो कितना मैक्सिमा है, तो नंबर ऑफ फ्रिंज ये हो जाएगा टोटल लेंथ डिवाइड बाय फ्रिंज विड्थ, 16 लैम्डा d/d, ये डी ऊपर चला जाएगा, तो डी डिवाइड बाय 64 लैम्डा d, यही है नंबर ऑफ फ्रिंज जो उस पर अवेलेबल होगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, क्वेश्चन नंबर 21 में सिंपल है बेटा, इसमें अपेरेंट डेप्थ आप निकाल सकते हैं, एच अपेरेंट जो होगा वो कितना हो जाएगा, तो 15 डिवाइड बाय 1.75, क्योंकि लिक्विड को रिप्लेस किया है 1.75 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाले लिक्विड से, तो उसका एच अपेरेंट का वैल्यू हो जाएगा इतना, इसको आप यहाँ पे 100 कर सकते हैं, इसको कैंसिल कर सकते हैं, तो ये वाला जो वैल्यू हो जाएगा, और ये 3 से करेंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 5, और ये एच अपेरेंट जो आपको अवेलेबल होने वाला है कितना हो जाएगा 20, एच अपेरेंट का वैल्यू कितना अवेलेबल हो जाएगा 20, ठीक लिखा हो ना, नो गलत हो गया, कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया, आप समझो,
यहाँ पे 15 डिवाइड बाय 1.75 था, इसको 100 हमने किया और 25 से किया तो 4 हुआ, 25 से करेंगे तो 7 होगा, यहाँ गलती हो, 7, ठीक है। और इसको करेंगे आप तो ये हो गया 60/7, इतना सेंटीमीटर जो है उसको अपियर अब होगा, इतना सेंटीमीटर उसको अपियर अब होगा। तो कह रहा है कि उसको कितना शिफ्ट करना पड़ेगा, तो पहले जो था उसको डिस्टेंस जो पहले था वो आपका 11.25 सेंटीमीटर था, अब इतना हो रहा है तो उसको शिफ्ट कितना करना पड़ेगा, तो एक्स शिफ्ट अगर आप देखेंगे तो ये हो जाएगा 11.25 में से 60/7, इतना डिस्टेंस को माइनस कर दीजिएगा तो इतना डिस्टेंस शिफ्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आप 22 देखिए, 22 में क्या कह रहा है कि आपको मिनिमम डेविएशन पूछ रहा है, ठीक है ना। तो आपका अननोन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है दिया हुआ इसमें है, ये देखिए ये रहा ग्लास ऑफ अननोन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो इसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू कह दीजिए, ठीक। पैरेलल बीम इंसिडेंट हो रहा है, द एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन मेजर, यानी कि इस केस में मिनिमम डेविएशन मेजरमेंट हुआ है 30 डिग्री, और द रिफ्रेक्टिव एंगल, एंगल ऑफ प्रिज्म आपको दिया हुआ है 60 डिग्री, ठीक है। तो क्या मिनिमम म्यू को हम लोग लिख सकते हैं क्या, साइन ऑफ मिनिमम डेविएशन प्लस ए बाय टू डिवाइड बाय साइन ऑफ ए बाय टू, और यहां से आप क्या कर सकते हैं, देखिए म्यू इक्वल टू कैलकुलेट कर सकते हैं, साइन ऑफ ये रहा 30 डिग्री, ये रहा 60 डिग्री, 90 डिग्री बाय टू, और यहां रहा साइन, ये रहा 30 डिग्री। अगर हम लोग देखेंगे तो ये हो जाएगा म्यू इक्वल टू 1/√2 बाय 1/2, इसको अगर हम लोग सिंप्लीफाई करें तो म्यू इक्वल टू रूट टू हो गया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको मटेरियल का मिल गया। अब कह रहा है कि इफ द प्रिज्म इज प्लेस्ड इन वाटर प्रेडिक्ट द न्यू एंगल ऑफ डेविएशन, यानी वाटर में डालने से क्या हो जाएगा, म्यू डिवाइड बाय म्यू वाटर ले लेंगे, ये ले लेंगे इज इक्वल टू साइन ऑफ अब डेल्टा मिनिमम नया वाला न्यू एंगल ऑफ प्रिज्म, तो वही 60 डिग्री रहेगा, टोटल में डिवाइड बाय 2 कर दीजिए और डिवाइड बाय अगर आप देखेंगे तो साइन ऑफ ये हो जाएगा 30 डिग्री, क्योंकि ए बाय 2 करेंगे तो इसकी वैल्यू है √2 म्यू की, और वाटर में डाल देने से क्या हो जाएगा, वाटर का रिफ्रेक्टिव इंडेक्स 4/3 ऊपर चला गया, ये हो जाएगा बाबू साइन ऑफ डेल्टा मिनिमम जो कि नया वाला होगा मिनिमम डेविएशन प्लस 60/2 डिवाइड बाय साइन 30 डिग्री 1/2, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो √2 × 3 डिवाइड बाय 8 इक्वल टू साइन ऑफ डेल्टा मिनिमम और ये न्यू वाला प्लस 60 डिग्री डिवाइड बाय 2। अब इसका वैल्यू आपको प्रोवाइडेड है, साइन इनवर्स का ये वाला वैल्यू आपको प्रोवाइडेड है, कितना डिग्री दिया है तो 57.97 दिया हुआ, इनवर्स वाला फॉर्म में आप रखेंगे तो आ जाएगा, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और इस तरह के केसेस में एंगल अगर दिया हुआ है तो पक्का वो एंगल साइन का ही वैल्यू दिया होगा यूज करने के लिए, तभी वो या वैसा कैलकुलेशन आ रहा होगा। तो साइन थीटा का समझिए एक तरह से वैल्यू आपको दिया हुआ, कॉस थीटा का वैल्यू आप अगर निकालेंगे तो आपको मिल जाएगा ये वाला वैल्यू, ठीक है ना। तो इसके बदले में आप यूज कर सकते हैं 57.97, ठीक है, मल्टीप्लाई कीजिएगा तो डेल्टा मिनिमम मिनिमम डेविएशन आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 23 में क्या कह रहा है, बीम ऑफ लाइट कन्वर्जिंग एट ए पॉइंट पी, कहीं पे बीम ऑफ लाइट है कन्वर्ज हो रहा है किसी पॉइंट पी पे, ठीक है पॉइंट पी है रे कन्वर्ज हो रहा है, एट एन ऑब्जेक्ट हैज ए ऑब्जेक्टिव लेंस सॉरी पॉइंट पी, एट व्हाट पॉइंट डज द बीम कन्वर्ज्ड, अगर इसके पाथ में कन्वर्जेंट लेंस इज प्लेस्ड इन द पाथ ऑफ द कन्वर्जिंग बीम 15 सेंटीमीटर फ्रॉम मी एट व्हाट पॉइंट, तो ये लेंस जो है कन्वर्जिंग नॉ ए लेंस इज प्लेस्ड एट ए पाथ ऑफ कन्वर्जेंट बीम 15 सेंटीमीटर, अब ये जो लेंस है ये प्लेस्ड किया है इसके बीच में, कन्वर्जेंट बीम 15 सेंटीमीटर
एट व्हाट पॉइंट डज द बीम कन्वर्ज इफ द लेंस इज कॉनकेव, कॉनकेव लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस नहीं है बेटा, ये कॉनकेव लेंस है। आगे स्टेटमेंट में आपका कौन, ये कॉनकेव लेंस, तो ऑब्वियस बात है ये डाइवर्ज करेगा। तो ये रहा आपका u, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो गया, और इसका फोकल लेंथ आपको दिया हुआ है, फोकल लेंथ दिया हुआ कितना 20 सेंटीमीटर। तो आप इसका इमेज निकाल लीजिए, तो ये वाला पॉइंट आपका वर्चुअल ऑब्जेक्ट की तरह काम कर गया ये, तो 1/v - 1/u = 1/f। फोकल लेंथ निगेटिव ले लीजिएगा और ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, ये वाला जो डिस्टेंस है ये आपका पॉजिटिव हो गया, ठीक है, आप आराम से इसको कर सकते हैं। तो 1/v - 1/15 = -1/-20, और यहां से 1/v = कर लेंगे तो 1/15 - 1/20, आपको यहां से v की वैल्यू मिल जाएगी पॉजिटिव, कितना डिस्टेंस पे वो कन्वर्स करेगा। सिंपल स्टेटमेंट है। अब आइए क्वेश्चन नंबर आप 24 करेंगे, 24 इसमें ये जो कहा है क्वेश्चन में कोई खास बात नहीं कहा, इसमें कहा गया है कि आपके पास ये एक लेंस है, ऑब्जेक्टिव लेंस है, और ये इमेज फॉर्म कर रहा है, और किसका, मून का। तो ऑब्वियस सी बात है मून का जो इमेज फॉर्म होगा, ये मून का जो इमेज फॉर्म होगा, आपको पता है कि ये जो फॉर्म होता है ये फोकल प्लेन में फॉर्म होता है, यहां पे फोकल प्लेन होगा, थोड़ा सा इसको ये चीज कह सकते हैं, ये रहा फोकल प्लेन और ये मून का इमेज फॉर्म हो रहा होगा, अगर ये मून ऑब्जेक्ट के फॉर्म में है तो, ठीक है। तो आपसे कह रहा है कि इसका डायमीटर ये डी बताओ कितना होगा, तो ये डी और ये डिस्टेंस जो है आपका आर, ये दिया हुआ है, इस एंगल का नाम थीटा होगा तो ये भी एंगल थीटा होगा, और ये जो डिस्टेंस होगा एफ ओ होगा, ऑब्जेक्टिव लेंस का फोकल लेंथ हो जाएगा। तो आप क्या कह सकते हैं, d/r = d/f0, यहां से स्मॉल डी मिल जाएगा, ये डी और ये आर और ये एफ नॉट सब दिया हुआ है, ठीक है। 25 भी उसी तरह से है, सिमिलरली आप उसे परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद अगर आप देखेंगे 26, ठीक है, तो यहां पे 3 सेंटीमीटर ऑन आदर साइड ऑफ द सेंट्रल मैक्सिमा इंसिडेंट प्लेन वेव है, वेवलेंथ दिया हुआ है, और इसमें 26 में क्या कह रहा है ये देखिए ध्यान से, स्क्रीन इज प्लेस्ड, दिया स्क्रीन दिया हुआ है और सिंगल नैरो स्लिट है, कैलकुलेट द स्लिट विड्थ, यानी कि डी साइन थीटा इज इक्वल टू, ठीक है भाई, डी साइन थीटा इज इक्वल टू, और ये सेंट्रल आपके पास फर्स्ट मिनिमा बन रहा है तो 1 × λ कर दीजिए, ठीक है। लाई 3 सेंटीमीटर ऑन अदर साइड, तो आप यहां से कह सकते हैं d और इसको लिखेंगे xn by capital D sin theta equal to 1 × λ, इसकी वैल्यू आपको दिया हुआ है 3 mm, और ये d दिया हुआ और ये लेमडा दिया हुआ और d स्मॉल d पूछ रहा है, तो लेमडा d डिवाइड बाय xn, xn इज 3 mm और लेमडा वेवलेंथ इज 400 नैनोमीटर, ठीक है, और कैपिटल डी जो स्लिट और एक्सटेंशन के बीच में सेपरेशन है 1.5, और यहां से स्मॉल डी आप कैलकुलेट कर सकते हैं, आपको स्मॉल डी मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 27 थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, कोई भी रे अगर रिफ्लेक्ट होता है ब्रेविस्टर यहाँ पे, तो रिफ्लेक्टेड रे जो होता है वो कंप्लीट पोलराइज्ड होता है। 27 ये इंसिडेंट रे है, अगर ये एंगल आई बी पे स्ट्राइक किया तो ये रिफ्लेक्टेड होगा, ये पोलराइज्ड रे होगा, पोलराइज्ड लाइट होगा, और ये पार्शियली आप कह सकते हैं, तो ये पोलराइज लाइट होता है कंप्लीटली, ठीक है, और इसकी इंटेंसिटी होती है लेस देन I0/2 होती है, मैक्सिमम इंटेंसिटी जो होती है I0/2 से इसकी वैल्यू लेस होगी इसकी इंटेंसिटी, और ये पूरी तरह से पोलराइज ले रहता है, ये परफेक्टली पोलराइज ले रहता है, कौन, ये रहा आपका अनपोलराइज लाइट
और जब ये रिवेस्टर एंगल पे इंसिडेंट होता है तो रिफ्लेक्ट होता है, रिफ्रेक्ट होता है, तो जो रिफ्लेक्ट होता है वो आपका पोलराइज्ड होता है, वो आपका पोलराइज्ड होता है और उसकी इंटेंसिटी आई नॉट बाय टू से लेस होती है, तो ऑप्शन थर्ड हो गया आपका। अगर आप 28 देखेंगे तो ये सब छोटी छोटी क्वेश्चन है 28 वाला। 28 में आप देख सकते हैं तो यहाँ पे जेड ई पॉजिटिव है, ठीक है, और इस वाले पॉइंट पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा गया है, इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा गया है, तो आप देख सकते हैं कि आपका ये रहा नेगेटिव चार्ज रीजन, लेकिन आपको केवल इतना ही दूर का नेगेटिव चार्ज कंसीडर करना है, इतना ही दूर का नेगेटिव चार्ज कंसीडर करना है, और ये वाला पार्ट आपका किसी काम का नहीं है, ये वाला आउटसाइड। तो आपका मेन क्यू नेट इनक्लोज निकालेंगे तो जेड ई, ये तो पॉजिटिव हो गया, माइनस जेड ई बाय 4π/3 इंटू आर क्यू इंटू 4π/3 इंटू स्मॉल r/2 का क्यूब, मतलब ये जो r/2 है इसका ये जो रेडियस है, ये नेगेटिव चार्ज का अमाउंट ये है, ये पॉजिटिव चार्ज ये है, तो टोटल इनक्लोज चार्ज आपको मिल गया। और इलेक्ट्रिक फील्ड अगर आप निकालते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन होता है इस वाले पॉइंट पे, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू क्यू नेट इनक्लोज बाय 4π इंटू r/2 का स्क्वायर इंटू एप्सिलॉन नॉट, ये रहा इलेक्ट्रिक फील्ड नेट, ई इक्वल टू क्यू नेट बाय 4π आर स्क्वायर इंटू एप्सिलॉन नॉट, आर की जगह पर r/2 रखेंगे, आर की जगह पर r/2 रखेंगे, तो ये आपको इलेक्ट्रिक फील्ड वहां पे मिल जाएगा, ये क्यू नेट का वैल्यू वहां रखेंगे तो आपको मिल जाएगा रिजल्ट, ठीक है। अब नेक्स्ट 29, ये सब इजी क्वेश्चन सब है, 29 सब कह रहा है कि टेम्परेचर चेंज हुआ है 6 डिग्री सेल्सियस से, करंट को जब हम 4 times करेंगे तब टेम्परेचर में चेंज कितना होगा, ठीक है। तो यहां पे 29 देखिए, 29 में आप लिखेंगे आई स्क्वायर आर डेल्टा टी इक्वल टू एम एस डेल्टा थीटा, तो करंट को 4 times किया है तो आई 4i का स्क्वायर आर इंटू डेल्टा टी इक्वल टू मास एस डेल्टा थीटा नॉट, दोनों को कह सकते हैं यहां से 16 इंटू आई स्क्वायर आर डेल्टा टी इक्वल टू एम एस डेल्टा थीटा 1, ये आई स्क्वायर आर डेल्टा टी का एम एस डेल्टा थीटा कह सकते हैं, तो 16 इंटू एम एस डेल्टा थीटा इज इक्वल टू एम एस डेल्टा थीटा 1, एम एस एम एस कैंसिल हो गया तो डेल्टा थीटा 1 हो जाएगा, 16 इंटू डेल्टा थीटा ये वाला वैल्यू हो जाएगा, तो 16 और उसको 6 से मल्टीप्लाई कर दिया तो हो जाएगा 6 × 16, ठीक है। आइए 30 देखिए बेटा, 30 नंबर कैसे करते हैं इसको, तो कह रहा है कि एन एमीटर रीड अप टू 2 एम्पियर, इट्स इंटरनल रेजिस्टेंस इज 0.9 ओम, तो इंटरनल रेजिस्टेंस 0.9 ओम है, इसमें एक स्मॉल शंट रेजिस्टेंस जोड़ते हैं, टू इंक्रीज द रेंज टू 2 एम्पियर द वैल्यू ऑफ द रिक्वायर्ड शंट इज, सिंपल हो गया, आप जानते हैं कि एमीटर में एक रेजिस्टेंस रहता है आरजी गैल्वेनोमीटर और इसमें करंट जाता है और इसके पैरेलल में एक और रेजिस्टेंस जोड़ देते हैं, यही है शंट रेजिस्टेंस, तो ये इसमें करंट अगर जा रहा है 2 एम्पियर तो इसमें करंट कितना जा रहा था, मान लीजिए आई है तो इसमें कितना जाएगा 2 - I, और ये आई का वैल्यू बहुत कम होता है, तो आप कह पाएंगे कि यहां पे जो रीडिंग होगा और यहां पे तो 2 - I इंटू आर इक्वल टू आई इंटू आर जी, ये रहा। तो अगला एमीटर अगर आप बनाएंगे तो उसमें भी आपका यही वैल्यू रह जाएगा, तो आई इंटू आर जी, डिफ्लेक्शन फुल स्केल डिफ्लेक्शन के लिए रहेगा, केवल ये चेंज होगा, तो ये आपका हो गया 18 - I इंटू आर, और आई का वैल्यू बहुत कम होता है इस 2 के रिस्पेक्ट में, तो इसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं, तो ये R1 हो गया, तो आपका क्या हो जाएगा 2 × R इक्वल टू 18 × R1, क्यों, क्योंकि पहले से 2 एम्पियर तो जा ही रहा था, 20 एम्पियर मेजर करना है, तो उसमें से आप कह सकते हैं 18 × R, और यहां से आप कहेंगे तो आपको ये वैल्यू मिल जाएगा, R1 का वैल्यू मिल जाएगा, क्यों, क्योंकि R आपको पता है 0.9 है, R1 मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 31 क्या कह रहा है,
आप देखेंगे 31 में यहाँ पे डेविएशन का फॉर्मूला हमने आपको बताया था, साइन थीटा इक्वल टू डी बाय आर होता है। यहाँ पे डी जो दिया हुआ है वो रूट थ्री डिवाइड बाय टू इन टू एम बी बाय क्यू बी, और एम बी बाय क्यू बी यही आर होता है। तो डी इक्वल टू रूट थ्री बाय टू इंटू आर है, इसका मतलब है कि डी बाय आर का वैल्यू रूट थ्री बाय टू होता है। तो ये वैल्यू आप यहाँ पे पुट करेंगे तो आपको थीटा का वैल्यू 60 डिग्री मिल जाएगा, ठीक है। 32 देखिए थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, आपको कह रहा है कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो डिक्रीज कर रहा है तो उसको इंक्रीज करवाना इसका काम है, उसको इंक्रीज करवाना इसका काम है, ठीक है। क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड है, अब इसको इंक्रीज करवाएंगे तो बड़ा सा एरिया ये है तो ये डिसाइड करेगा। तो इस बड़े वाले में अगर हम क्लॉक वाइज भेजते हैं तो यहां पे करंट ऐसे भेजना पड़ेगा, इंड्यूस करंट, तो ऑब्वियस सी बात है यहां पे ठीक इसके अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा, ठीक है। तो आप देखेंगे तो 32 का आप आराम से कह सकते हैं कि पी वाले पॉइंट पे क्लॉक वाइज सेंस में जाएगा और क्यू वाले पॉइंट पे एंटी क्लॉक वाइज, नो डाउट एंटी क्लॉक वाइज में जाएगा। तो ये आपको जो है अमाउंट को चेंज कर रहा होगा, अपोज कर रहा होगा, ये सपोर्ट कर रहा होगा, ठीक है। तो अगर ओवरऑल देखेंगे तो आपका सपोर्ट हो गया, ठीक है ना। तो डिसीजन कौन लेगा, ऊपर वाला लेगा, क्यों, क्योंकि ये बड़े से लूप है, बड़े से लूप का जो एरिया होगा वो ज्यादा होगा, उसमें फ्लक्स ज्यादा होगा तो उसमें इंड्यूस ज्यादा होगा, ठीक है। अब अगर आप देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 33 इसमें क्या कह रहा है, आपको कह रहा है कि मैक्सिमम करंट जो है वो आई नॉट है। तो आप देख सकते हैं आई नॉट इज इक्वल टू वी नॉट डिवाइड बाय इम्पीडेंस जो कि रूट टू इंटू वन बाय ओमेगा सी होगा, क्यों, क्योंकि आर और सी सर्किट है तो जेड इम्पीडेंस लिखेंगे तो वन बाय ओमेगा सी माइनस वन बाय ओमेगा सी इंटू जे लिखेंगे, क्यों, क्योंकि रेजिस्टेंस की वैल्यू उतनी ही दी हुई है, ठीक है। अब तो इसका मतलब आई नॉट इज इक्वल टू ये हो गया। अब I न्यू नया वाला जो होगा वो कितना होगा, तो वी नॉट डिवाइड बाय नया वाला इम्पीडेंस जेड न्यू निकालेंगे तो जेड न्यू कितना होगा, तो ओल्ड और इसकी फ्रीक्वेंसी बदल दी गई तो ये चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका कितना, ओमेगा इक्वल टू हो गया ओमेगा बाय 15, ये ओमेगा सी ऊपर में चला जाएगा रूट 15 ये जे। तो इसका मैग्नीट्यूड अगर लेंगे, जेड न्यू का मैग्नीट्यूड अगर आप लेंगे तो ये कितना हो जाएगा, तो 1 बाय ओमेगा सी इंटू 4 हो जाएगा, क्योंकि 1 स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, रूट लेंगे तो 4 हो जाएगा, तो ये हो गया। अब अगर आप देख रहे हैं तो ये वाला टर्न हो गया। तो अगर हम लोग लिखते हैं कि नया वाला जो पिक वैल्यू जो होगा करंट का वो कितना हो जाएगा, तो वी नॉट बाय इसको लिखेंगे तो 4 इंटू 1 बाय ओमेगा सी, 1 बाय ओमेगा सी इंटू वी नॉट कितना हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो रूट टू इंटू आई नॉट। तो आई न्यू कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा रूट टू इंटू आई नॉट बाय 4, जिसको आप कह सकते हैं आई नॉट बाय 2 रूट 2, ठीक है। अब 34 में आप देख सकते हैं तो आपसे कह रहा है कि द मैक्सिमम मैग्नेटिक फोर्स ऑन द चार्ज, चार्ज पार्टिकल पर मैक्सिमम मैग्नेटिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स के लिए क्या चाहिए, तो क्यू वी बी, क्यू आपको दिया हुआ है चार्ज, वेलोसिटी आपको मालूम है, केवल मैग्नेटिक फील्ड की जरूरत होगी, और मैग्नेटिक फील्ड के लिए क्या करेंगे आप, इलेक्ट्रिक फील्ड डिवाइड बाय सी स्पीड ऑफ लाइट इक्वल टू मैग्नेटिक फील्ड, और वहां से आप निकाल सकते हैं मैग्नेटिक फोर्स, ठीक है ना। तो 34 एफएम मैग्नेटिक फोर्स, तो क्यू वी बी, क्यू आपको ऑलरेडी प्रोवाइडेड है, ये 5E के बराबर है, अब वी का वैल्यू सी है और ये B का वैल्यू हम लोग लिख सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड डिवाइड बाय C, सभी चीज मालूम है रखेंगे आपको मैग्नेटिक फोर्स की वैल्यू मिलेगी। अब आइए क्वेश्चन नंबर 35, आपको कह रहा है हीलियम का न्यूक्लियस है, हीलियम का न्यूक्लियस है, इस एटम में से एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव किया गया है, तो एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव किया गया है उसमें इसको जो एनर्जी रिक्वायर्ड हुआ 24.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इतनी एनर्जी रिक्वायर्ड हुई तो एक इलेक्ट्रॉन यहां से रिमूव हुआ है, तो अब ये सी बात है, अब ये आयनाइज्ड हो गया है, तो आयनाइज्ड हो गया है तो ENH का फॉर्मूला आप क्या जानते हैं, -13.6 जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर, इसका मतलब है कि -13.6 इंटू 2 स्क्वायर बाय 1 का स्क्वायर, तो आप कह सकते हैं -13.6 इंटू 4
इतना इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी उसको और चाहिए उस सेकेंड इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए। द टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी कितना चाहिए दोनों इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए, तो कितना पहले को निकाले 24.6 एनालाइज्ड करने में ये हुआ, अब प्लस 4 × 13.6 इतना इलेक्ट्रॉन वोल्ट और चाहिए। तो इस दोनों को ऐड कीजिएगा तो टोटल दोनों इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने में कितना एनर्जी चाहिए, 79 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मिल जाएगा। ठीक है, तो थोड़ा सा फोकस्ड, बहुत मतलब थोड़ा कहना ठीक नहीं होगा बेटा, बहुत फोकस रहना पड़ेगा तभी आपका कैलकुलेशन मिनिमाइज हो पाएगा। अब नेक्स्ट आप देखें क्वेश्चन नंबर 36 सेक्शन बी का। 36 में बहुत इजी है, इसमें आपको आईबी का वैल्यू दिया हुआ है, आईबी इक्वल टू है 20 माइक्रो एम्पियर, ठीक है, और ईबी आपको दिया हुआ है 6 वोल्ट, और भी बीई इक्वल टू 0। तो एक बार बेस वाले लूप में घूम करके क्वेश्चन लिख देंगे तो आपको यहां से आरबी डायरेक्ट मिल जाएगा ईबी डिवाइड बाय आईबी। ईबी मालूम है और आईबी मालूम है, रखिएगा तो आपको आरबी बेस रेजिस्टेंस मिल जाएगा। 37 ठीक है, अंडर स्टेडी फ्लो द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल ऑफ फ्लूइड इज नॉट कॉन्स्टेंट एट ए पॉइंट। बिल्कुल गलत बात है, हर एक पॉइंट पे स्टेडी स्टेट में, हर एक पॉइंट का मतलब कोई भी एक पॉइंट आप लेते हैं उस पे पार्टिकल का वेलोसिटी हमेशा कांस्टेंट रहेगा स्टेडी स्टेट में, तो फर्स्ट स्टेटमेंट गलत हो गया। आइडियल फ्लूइड आर कंप्रेसिबल, ये तो और भी गलत हो गया, दोनों स्टेटमेंट गलत हो गया, बोथ एसर्शन एंड रीजन बोथ आर इनकरेक्ट। ठीक है, अब आइए 38 नंबर में कह रहा है कि एन क्यूब ड्रॉप प्लेट उसको हीट किए हैं, तो कितना मतलब उसको कोलैप्स किए हैं, तो आप देखिए सिंपल है, एन क्यूब इंटू 4π/3 इंटू आर क्यूब इक्वल टू हो जाएगा 4π/3 इंटू कैपिटल आर क्यूब, 4π/3 ये कैंसिल हो गया, तो ये एन आर इक्वल टू आर हो गया, ये पॉइंट क्लियर हो गया, एन आर इक्वल टू आर हो गया। ठीक है, अब आइए, अब एन क्यूब नंबर जो है उसकी एनर्जी कितनी हो जाएगी, तो एन क्यूब इंटू 4πr² कितनी इनिशियल एनर्जी हो गई, माइनस 4πr² इंटू सरफेस टेंशन टी, ये फाइनल एनर्जी, इसी की वजह से क्या हुआ, इसी की वजह से उसका टेम्परेचर राइज होगा, तो जो एम एस डेल्टा थीटा होगा, एम को क्या लिखेंगे हम लोग, एन क्यूब इंटू 4π/3 इंटू आर क्यूब, मास इंटू वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, ये हो गया नंबर इंटू वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, मास इंटू स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इंटू डेल्टा थीटा, तो यहां से आप देखेंगे तो डेल्टा थीटा का वैल्यू आप कैलकुलेट कर सकते हैं, इतना टेम्परेचर राइज हुआ होगा, एन क्यूब कोलैप्स जो मर्ज हुए होंगे और एक बड़े बने होंगे तो उसका टेम्परेचर कितना से चेंज हुआ होगा, तो ये वैल्यू मिल जाएगा। ठीक है, अब आपको नेक्स्ट 39 नंबर जो है इसमें क्या कह रहा है, 39 नंबर जो है इसमें कह रहा है आपसे कि एनर्जी कितनी होगी उसके अंदर, तो आसान है वो एनर्जी कैलकुलेट करना, अगर आपको स्ट्रेस और स्ट्रेन पता हो तो एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं एनर्जी, देखिए यहां पे 39 में एनर्जी इज इक्वल टू हाफ स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन इंटू वॉल्यूम, वॉल्यूम कर लीजिए। अब अगर आप देखेंगे यहां पे तो इसको हाफ इसको वाई इंटू स्ट्रेन कर लीजिए, अब फिर है स्ट्रेन इंटू वॉल्यूम, ठीक है, तो ये हो जाएगा हाफ वाई और स्ट्रेन का स्क्वायर इंटू वॉल्यूम। अब अगर आप देखेंगे तो स्ट्रेन कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, तो एल फाइनल इक्वल टू एल इनिशियल 1 + α डेल्टा थीटा, तो डेल्टा एल बाय एल इनिशियल इक्वल टू और ये हो जाएगा अल्फा डेल्टा थीटा, और इसी को हम लोग स्ट्रेन कहेंगे, यानी कि अल्फा ये है, अल्फा क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन जो ऑलरेडी आपको प्रोवाइड है, यंग्स मॉडुलस प्रोवाइडेड है, वॉल्यूम एरिया इंटू थिकनेस करेंगे तो आपको वॉल्यूम मिल जाएगा। तो आप क्या कह रहा है, एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द रड, पर यूनिट वॉल्यूम ही पूछ रहा है, तो इसका मतलब ये इसकी भी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, केवल आप यहां कर लेंगे
एनर्जी डिवाइड बाय वॉल्यूम कर लेंगे, उसकी भी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। तो हाफ वाई इंटू स्ट्रेंथ, तो अल्फा डेल्टा थीटा का स्क्वायर कर दीजिए। दिस इज द आंसर। वाई मालूम है, अल्फा मालूम है, डेल्टा थीटा मालूम है। इस तीनों वैल्यू को रखेंगे तो आपको आराम से रिजल्ट मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अगर आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 40, क्वेश्चन नंबर 40 आप देखिए ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 40 में क्या कह रहा है कि आपके पास ये एक हॉलो पार्ट है और ये सॉलिड पार्ट है, ये सॉलिड है, ये रहा, ठीक है, और इसमें 2/3 कैविटी, इसका स्मॉल आर है और ये कैपिटल आर है, ठीक है। तो 2/3 ऑफ इट्स वॉल्यूम इनसाइड द वाटर, तो क्या रिलेशन होगा? तो ऑब्वियस सी बात है, 2/3 इसका वाटर के अंदर है, 2/3 ये वाटर के अंदर है, ये रहा, ये वाला पोर्शन आप समझते जाइए कि ये वाला पोर्शन इसके वाटर के अंदर है। तो पहली बात इसका एमजी होगा, तो मास कैसे लिखेंगे, तो डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, तो 4π/3 कैपिटल आर क्यूब माइनस स्मॉल आर क्यूब, ये हो गया रो इंटू डेंसिटी इंटू जी, एमजी नीचे की तरफ और ऊपर की तरफ फोर्स ऑफ बॉयंसी। तो फोर्स ऑफ बॉयंसी जो होता है ये वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस, उसका वेट होता है। तो वॉल्यूम 2/3 इंटू 4π/3 इंटू आर क्यूब, क्योंकि आउटर रेडियस हम लोग लेंगे, पूरा का पूरा वॉल्यूम डिस्प्लेस किया है ये, तो 2/3 4π/3 आर क्यूब इंटू रो इंटू जी, तो मास इंटू जी, ऊपर फोर्स ऑफ बॉयंसी नीचे एमजी, ये दोनों बराबर हुआ। तो हम लोग क्या कह सकते हैं यहाँ पे, रो इंटू 4π/3 आर क्यूब माइनस स्मॉल आर क्यूब इंटू जी बराबर हो जाएगा किसके, 2/3 इंटू 4π/3 आर क्यूब रो इंटू जी, और यहां से रिलेशन आपका मिल जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आप 41 देखें। में क्या कह रहा है आप समझने का कोशिश कीजिएगा। इस पे एंगल पूछ रहा है 41 में, कितना एंगल से ये डेविएट हुआ होगा। तो ये रूफ है उसका, सीलिंग कार का, ये एंगल है। तो आपके पास देखेंगे तो आपका इधर की तरफ टेंशन टी लगेगा, और ये वर्टिकल से किससे एंगल पूछ रहा है, यहां से द एंगल मेड बाय द रड विथ द ट्रैक, ट्रैक के साथ कितना एंगल बना रहा होगा ये रड, ये ट्रैक के साथ, तो ट्रैक के साथ ये जो एंगल बना रहा होगा, इस एंगल का नाम थीटा कह दीजिए। ठीक है, तो ये थीटा होगा, तो टेंशन का इधर की तरफ कंपोनेंट कितना हो जाएगा, टी कॉस थीटा, जो कि हो जाएगा एम वी स्क्वायर बाय आर, और टी साइन थीटा किसके बराबर हो जाएगा, एम जी के, इसको डिवाइड कर लीजिए, तो टेन थीटा इज इक्वल टू जी बाय वी स्क्वायर बाय आर, इसमें इससे डिवाइड कीजिएगा, तो एम जी डिवाइड बाय एम वी स्क्वायर बाय आर, एम एम कैंसिल, तो जी बाय वी स्क्वायर बाय आर, ये रहा आपका एंगल, कितना ट्रैक बनाएगा ट्रैक के साथ रड। ठीक, और 42 में u दिया हुआ आपको, u इक्वल टू एक्स क्यूब डिवाइड बाय 3 माइनस 9x प्लस 36। तो आपका ये एनर्जी को मिनिमम करने के लिए du बाय dx को जीरो कीजिए, तो इसको लिखेंगे तो 3x स्क्वायर बाय 3 माइनस 9 इंटू 1 प्लस 0, ये 3 कैंसिल, इसको जीरो कीजिएगा, ये होगा एक्स स्क्वायर माइनस 9 इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर माइनस 9 इक्वल टू 0 हुआ, तो x इक्वल टू प्लस माइनस 3, प्लस माइनस 3 ये हुआ, x इक्वल टू क्या हो गया, प्लस माइनस 3। अब अगर आप देखेंगे तो x का x1 3 और x2 जो हुआ माइनस 3। अब इस दोनों लोकेशन पर आप एनर्जी निकाल लीजिए, एनर्जी दोनों लोकेशन पर निकालेंगे तो क्या मिलेगा, U1 अगर आप निकालेंगे तो कितना मिलेगा, U1 इज इक्वल टू 3 का क्यूब बाय 3 माइनस 9 इंटू 3 अब प्लस 36। ठीक है, और U2 निकालेंगे तो माइनस 3 हो जाएगा, तो ये माइनस 27 कर लीजिए डिवाइड बाय 3 अब प्लस 9 इंटू 3 अब प्लस 36। ऑब्वियस सी बात है यहां पे माइनस 9 हुआ,
U2 इज इक्वल टू -9 प्लस 27 प्लस 36। ये एनर्जी जो है ज्यादा है और ये एनर्जी जो है आपका कम है। तो जहां पे एनर्जी मिनिमम होता है वो स्टेबल होता है और जहां एनर्जी मैक्सिमम होता है अनस्टेबल होता है। तो ये जो है अनस्टेबल पोजिशन है, -3 इज योर अनस्टेबल पोजिशन। अरे बात समझ में, -3 इज योर अनस्टेबल पोजिशन और 3 इज योर स्टेबल पोजिशन और दोनों इक्विलिब्रियम पोजिशन है, ठीक है। तो इसके बेसिस पे अगर आप देखेंगे तो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ सब सही हो गया, सारे के सारे सही है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ सभी के सभी सही हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43। आप जानते हैं इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्टेड एंगल के बीच में और कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस के बीच ये रिलेशन होता है, ये रिलेशन होता है। उस रिलेशन को हम लोग जो है कनेक्ट करते हैं किसके साथ, आई के साथ, आर के साथ। तो ये रहा अगर यू स्पीड से आ रहा है और ये अगर वी स्पीड से जा रहा होता है तो हम लोग इसको कहते हैं टेन आई इक्वल टू ई इंटू टेन आर। ये रिलेशन है और इस रिलेशन के बेसिस पे हम लोग इसको आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। तो टेन आई इक्वल टू ई इंटू टेन आर हो गया, ठीक है। तो आई आपको दिया हुआ है एंगल ऑफ इंसिडेंट, ई का वैल्यू दिया हुआ है और आर आपसे पूछ रहा है। ये आई दिया हुआ है कितना डिग्री है, आई 60 डिग्री, और ई दिया हुआ है 1/2, और ये आर आपसे पूछ रहा है कि कितना है, ठीक है ना। आर आप कैलकुलेट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। वेलोसिटी ऑफ रिफ्लेक्शन इज, तो वेलोसिटी ऑफ रिफ्लेक्शन तो ये आर हो गया, ठीक है ना। और एक वी और यू चाहिए था तो आप इसको ऐसे कर लीजिए, ई इक्वल टू वी निकालने के लिए तो आर ऐसे निकल जाएगा। इसको लिखेंगे तो वी कॉस आर डिवाइड बाय यू कॉस आई, ठीक है। तो ई इंटू यू कॉस आई डिवाइड बाय कॉस आर इक्वल टू वी। तो देखिए आपको टेन आर मिल जाएगा तो कॉस आर मिल गया, आई मालूम है, यू मालूम है, ई मालूम है, तो वी मिल जाएगा आपको, ठीक है। अब ये क्या मैंने किया, यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन इधर की तरफ हुआ वी कॉस आर और अप्रोच इधर की तरफ हुआ यू कॉस आई। तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन डिवाइड वेलोसिटी ऑफ अप्रोच इक्वल टू ई कोएफिशिएंट ऑफ रेसिस्टेंस ई, उससे हम लोगों ने वी कैलकुलेट कर लिया, ठीक है। नेक्स्ट अगर आप देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 44, कह रहा है कि इसको हिट किया गया है कॉपर ब्लॉक को 3.5 इंटू ये केजी है इंटू 600 डिग्री सेल्सियस पे। तो कितना मास जो है, व्हाट इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ आइस दैट कैन बी मेल्ट, ठीक है। तो 3.5 मास है तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ कॉपर इंटू 600 कर देंगे तो वो 0 डिग्री सेल्सियस पे आ जाएगा। तो एम एस इतना में मास ऑफ आइस इंटू एल एफ लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन आइस का वैल्यू रखेंगे तो आपको मास ऑफ आइस ये मिल जाएगा, क्योंकि आपको ये प्रोवाइडेड है और ये आपको मालूम है तो ये वाला वैल्यू मिल जाएगा। कॉपर ने जितना एनर्जी लॉस किया है उतना ही एनर्जी में आइस मेल्ट करेगा, आइस का वैल्यू आपको मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट आप 45 का देखिए, व्हाट अमाउंट ऑफ हीट मस्ट बी सप्लाइड टू नाइट्रोजन टू राइज इट्स टेम्परेचर बाय 60 डिग्री एट कांस्टेंट प्रेशर। सिंपल, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू एन सीपी डेल्टा टी। टेम्परेचर में चेंज आपको मालूम है, सीपी आपको निकाल देना है। सीपी इज इक्वल टू गामा आर बाय गामा माइनस वन, गामा आपको मालूम है कि कितना है नाइट्रोजन का एन टू का, रखेंगे वैल्यू आपको डेल्टा क्यू मिल जाएगा। 46 नंबर, एयर बबल का वॉल्यूम दिया हुआ है और वो बॉटम पे है ये दिया हुआ है आपको और 7 डिग्री सेल्सियस पे। तो आप जानते हैं कि यहाँ पे बॉटम पे रहेगा तो एन वन इक्वल टू एन टू,
मतलब नंबर ऑफ मोल एयर बबल के अंदर जितना नीचे में है उतना ही ऊपर रहेगा, तो इसको लिखेंगे पी वन वी वन बाय टी वन इक्वल टू पी टू वी टू बाय टी टू, क्योंकि आर और आर कैंसिल हो गया। अब आइए लोअर मोस्ट पॉइंट पर प्रेशर कितना हो जाएगा, तो पी नॉट प्लस रो जी एच, वहां पे वॉल्यूम, उसका वॉल्यूम दिया हुआ है, वॉल्यूम दिया हुआ है कितना 4 सेंटीमीटर क्यूब, डिवाइड बाय टेम्परेचर दिया हुआ है 7 डिग्री सेल्सियस 273 प्लस 7, और जब ऊपर आएगा तो एटमोस्फेरिक प्रेशर पी एंड वॉल्यूम वी टू जो निकालना है मुझे, और टेम्परेचर है एटमोस्फेरिक 30 डिग्री सेल्सियस, तो 273 प्लस 30 कर दीजिए, तो यहां से आपको वी टू मिल जाएगा। एटमोस्फेरिक प्रेशर पी नॉट आपको पता है, रो जी एच सब आपको मालूम है, रो वाटर का डेंसिटी ले लीजिएगा तो वी टू आपको वैल्यू मिल जाएगा, ठीक है। 47 सभी बच्चों ने करा ही होगा, ये क्वेश्चन बिल्कुल इजी है। वेव स्पीड इज इक्वल टू आप अंडर रूट टी बाय म्यू कर सकते हैं, वेव स्पीड यानी कि स्ट्रिंग में जो पल्स जनरेट होगा वो कितना स्पीड से मूव करेगा वो आपको पता है। यहाँ पे ये आपने पल्स यहां से जनरेट कर दिया है, इस तरह से ये पल्स जनरेट हो गया, तो इसकी स्पीड भी है, तो इसको टी इक्वल टू जीरो से यहाँ पे टाइम आने में कितना टाइम लगेगा, तो टी इक्वल टू एल डिवाइड बाय वी कह सकते हैं, एल यहां से यहां तक का लेंथ है, यहां से यहां तक का लेंथ है L, तो T इक्वल टू L डिवाइड बाय भी कर देंगे तो हमको पता चल जाएगा कि कितने देर में ये पल्स एक इंच से दूसरे इंच जाएगा L बाय भी, ठीक है। 47 48 आप समझिए, 48 में कह रहा है कि द इंटेंसिटी ऑफ लाइट एट ए पॉइंट ऑन द स्क्रीन वेयर द पाथ डिफरेंस इज लैम्डा इज के है, तो इंटेंसिटी अगर हम लोग लिखते हैं आई इक्वल टू ये हो जाएगा आई नॉट प्लस टू आई नॉट कॉस ऑफ टू पाई बाय लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स, ये होता है इंटेंसिटी। तो कह रहा है कि इंटेंसिटी जो है वो के है, कब, जब I नॉट प्लस टू आई नॉट कॉस ऑफ टू पाई बाय लैम्डा इंटू लैम्डा, पाथ डिफरेंस जब लैम्डा है तो इंटेंसिटी के है, तो बताइए व्हाट इज इंटेंसिटी ऑफ द लाइट पाथ डिफरेंस जब लैम्डा बाय फोर होगा, तो के न्यू क्या होगा, तो ये हो जाएगा I नॉट प्लस टू आई नॉट कॉस ऑफ टू पाई बाय लैम्डा, और अब पाथ डिफरेंस कितना हो जाएगा तो लैम्डा बाय फोर, तो ये आराम से के और न्यूज होगा के बाय टू के बराबर हो जाएगा, दोनों को डिवाइड कर दीजिएगा ना आपको रिजल्ट आई नॉट कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे 49 जो है इसको थोड़ा सा आप समझने की कोशिश कीजिएगा, कह रहा है कि दो पोलराइड है आपके पास, एक पोलराइड है ये आपका पी वन और दूसरा पोलराइड है ये आपका पी टू, और इसके बीच में एक नया पोलराइड जो है इसको रोटेक्ट करवाया जा रहा है, तो अगर ये इसका एंगल रहा होगा थीटा, तो ये जो क्रॉस हुआ होगा तो इसकी इंटेंसिटी जो यहां पे हुई होगी ये हुई होगी आई नॉट कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब जब ये यहां से इधर क्रॉस हो रहा होगा तो ये एंगल तो 90 माइनस थीटा हो रहा होगा, तो ये जो इसकी इंटेंसिटी आई फाइनल होगी वो हो जाएगी आई कॉस कॉस स्क्वायर 90 माइनस थीटा, तो हम लोग आई फाइनल इक्वल टू लिखेंगे तो आई नॉट इंटू कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा, इसमें 4 से मल्टीप्लाई 4 से डिवाइड, तो आई फाइनल इंटेंसिटी हो जाएगा आई नॉट बाय 4 साइन स्क्वायर 2 थीटा, ये रहा फाइनल इंटेंसिटी, ठीक है, आई नॉट बाय 4 साइन स्क्वायर 2 थीटा, ये रहा फाइनल इंटेंसिटी। तो ये इसमें आप केयरफुली अगर देखेंगे तब आपको ये होगा, और इसमें कहा क्या रहा था इंटेंसिटी जो है ये आई नॉट बाई टू जो हम लोग लिखते थे, तो आई नॉट वहां पे अनपोलराइज लाइट की इंटेंसिटी होती थी, तो आई नॉट बाई टू की वैल्यू आई नॉट इसने पुट कर रखा है, पोलराइज लाइट की इंटेंसिटी आई नॉट दे रखा है, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 50 बहुत इजी है, इसमें आपको इमेज फॉर्मेशन करना है, एक कॉन्केव है एक कॉन्वेक्स है, मिरर है और उसी के हेल्प से ये पूछा गया है, ठीक है। यहां पे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 50 में ये रहा आपके पास कॉन्केव, तो पैरेलल राइट अगर इस पे इंसिडेंट होगा, पैरेलल राइट अगर इंसिडेंट होगा तो जाहिर सी बात है ये कन्वर्स कहां पे होगा, फोकस पे होगा, कन्वर्स कहां पे होगा, फोकस पे होगा, दिस इज फोकस, और यहां पे ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट हो जाएगा किसके लिए, इस वाले के लिए, ये जो कॉन्वेक्स के लिए है, ठीक है। तो
तो आप देख सकते हैं कि आपको फर्स्ट में देखा है, सपोज द टेलीस्कोप 25 सेंटीमीटर अपार्ट, ये डिस्टेंस आपको 25 सेंटीमीटर दे दिया, ठीक है, 25 सेंटीमीटर दिया, ठीक है। और उसके बाद आपको जो है यहां पे इफ द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द लार्ज मिरर इज, ये जो लार्ज वाला मिरर है इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर आर दिया हुआ है 230 mm, मुझे लगता है कि इसको आप लिख सकते हैं, फोकस जो इसका होगा ये हो गया 115 mm मिलीमीटर, ठीक है, 115 mm हो गया, ठीक है, वो 25 mm है बेटा, ये 25 mm है, ठीक है। तो यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस हो गया ये आपको मिल गया 115 mm। तो ये जो कॉन्वेक्स जो मिरर है उसके लिए ऑब्जेक्ट कितनी दूरी पे हो गई, ये जो डिस्टेंस आपको मिल जाएगा 115 में से 25 माइनस कर दीजिए, तो 115 में से 25 माइनस कर देंगे तो 0 और ये 11 में से 2 जाएगा तो 90, यानी कि 90 mm पे आपको ऑब्जेक्ट है कॉनकेव कॉन्वेक्स मिरर के लिए ऑब्जेक्ट अवेलेबल है कितना पे, 90 पे, ठीक है। और इसका फोकल लेंथ जो है F1 वो दिया हुआ है 75 mm। तो अब इमेज कहां बनेगा फाइनली, तो 1/V final प्लस 1/U final इज इक्वल टू 1/F final, ठीक है। तो आप इसके लिए इधर वाला ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इसको आप नेगेटिव ले सकते हैं, तो 1/V final कहां बनेगा नहीं पता, माइनस 1/90 इक्वल टू 1/focus, इधर ही की तरफ फोकस रहेगा तो इसको माइनस 75 कह सकते हैं। तो यहां से आप कह सकते हैं कि 1/V final इज इक्वल टू 1/90 और माइनस 1/75, यहां से आपको फाइनल इमेज मिल जाएगा। तो ये रे डायग्राम थोड़ा सा आपको कंफ्यूज कर रहा होगा, बट आप आराम से कर सकते हैं, ठीक है। तो देखा बेटा कि किस तरह से क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं, कितनी पेशेंस की जरूरत है और कितना आपको इसमें कैलकुलेशन है, उस कैलकुलेशन को भी ध्यान देखना। एक तरह से आप कह सकते हैं कि बहुत ही फोकस रह कर अपने ऊपर कंट्रोल कर आपको पेपर को देना होगा। अगर आप थोड़ा सा भी पेशेंस लूज करेंगे तो आप क्वेश्चन गड़बड़ कर सकते हैं, क्वेश्चन गलतियां हो सकती है, ठीक है ना। कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो कि कैलकुलेटिव नहीं हो, जिसमें कैलकुलेशन नहीं हो, तो आपके स्पीड को डेफिनेटली ये रिड्यूस करेगा, जितना भी आप इफर्ट पुट करोगे स्पीड आपका रिड्यूस होगा, लेकिन बार 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 करने से ऑटोमेटिकली धीरे धीरे फिर वो स्पीड आपका बढ़ने लगेगा। तो पेपर को आप केयरफुली दीजिए, ठीक है ना। हम उम्मीद करते हैं आप बच्चों से कि आप अच्छा परफॉर्म करेंगे। इसके साथ ही आज का ये टेस्ट पेपर का डिस्कशन ओवर हुआ, फिर नेक्स्ट टेस्ट का पेपर के साथ हम लोग फिर मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।